क्या करने जा रहे हैं? जिसने भी तुझे मारा है ना भाई, उसे ठिकाने लगा देंगे। वो मुझे सिर्फ एक ही घुसा मार पाया। तुमने ठीक से गिना नहीं। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। करोड़पति नहीं यार, पति। अकड़ू नंबर वन, सोने के मामले में कुंभकर्ण है। आज तक उसने उगता सूरज नहीं देखा, क्योंकि उसके जागने के टाइम पे सूरज डूब रहा होता है। पैसा है मगर वो कैसा है? दिन रात उसके चारों ओर नौकर चाकर खड़े रहते हैं, मगर वो इतना सोता है लगता है उसे सोने पर लोन मिलता है। पर उस जैसे अरबपति को लोन की क्या जरूरत है? कोई जगाता नहीं। किसकी हिम्मत है? आज तुम जगा दो। नहीं भाई, रहने दे, कल ही तो मेरी आंख काली हुई है। और आज क्या? आज शनिवार है, तेरी बारी। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो नाक भी टूटेगी। ठीक है, नाक बचाता हूँ, मगर दांत से हाथ धोना पड़ेगा। तो फिर जाओ। ठीक है, जाओ दांत बचा के। थैंक यू सर। बोतल मत उठाइए सर, आप खुद उठिए, सूरज डूबने वाला है। बियर बार खुल गए हैं, इसलिए अब वो शहर के बियर बार में मिलेगा। अब देखना यह है कि वो कौन से बार में मिलेगा, मुन्नी बार, शीला बार या चमेली बार। भाई ये तो बॉलीवुड की फिल्मों के आइटम लोग का नाम है। सच्ची, मैं तो सिर्फ गोल्डन की पिक्चर देखता हूँ। आगे लगता है ये लगता है पिछले जख्म भर गए। देख पीजे, मैं तुझे फाइट करेगा या डायलॉग मारे? फाइट 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 करेंगे ना? फाइट करते हैं भाई। फाइट करना है तो डायलॉग मार के टाइम की के मेटर तुम को खाड़ दिया है। देख क्या रहे हो, इसका भी विकेट गिराओ। फिल्म का हीरो कौन है? तुम हो। तो फाइट कौन? तुम। तुमने टूटा अंडा नहीं देखा है क्या? तो फिर इधर क्या देख रहे हो, उसका अंडा तोड़ो। आजा आजा। ए, 5 फीट हाइट लेके हमसे फाइट कर रहे हो? मुझे ब्रेक चाहिए। 5 मिनट्स ओनली। कम से कम 10 मिनट तो दे। ठीक है जा। थैंक्स विजय। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अब होगा क्लाइमैक्स। होश में आने के बाद मिलते हैं। थैंक्स विजय। वो रहे वो गुंडे। मत मत। पुलिस ने तुम्हें घेर लिया। इतनी जोर से क्यों मारा यार? पुलिस को मारा? जानबूझकर थोड़ी मारा। तो अब मार लो। ओए, काले कोट जल्दी फॉर्म भर, मुझे आज रात एक पार्टी में भी जाना है। अरे पीजे सर, परसों आप ट्रैफिक हवलदार को फोड़ने के चक्कर में 50,000 रुपए भर चुके हो, ऐसी हरकतें मत किया कीजिए सर। वकील साहब बोलिए। 20,000 तैयार रखना, ये खाकी वर्दी कुछ और बोला तो उसके कान के नीचे बजाऊं। हाँ हाँ, बजा देना। बहुत जोर से मारा सर। पीजे बाबू, ये पुलिस वाला आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि लोग मेरी बात सुनते हैं। इसीलिए स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज आई एम द बॉस। स्टूडेंट्स, आज हम एक मिनट सर, मैं अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब तो जानते हैं मैं जमींदार विजय प्रताप सिंह का पोता हूँ, एंड द वन एंड ओनली वारिस ऑफ हिज एंटायर एम्पायर व्हिच कंटेन्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। पॉइंट ये है कि ये सारी जायदाद मेरी होगी, मतलब
आज से इस कॉलेज में जो भी होगा वो सब मेरी मर्जी। व्हाट इज दिस? बाहर निकलो। बाहर से ही तो आया हूँ, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं सर? इन लोगों ने प्रॉक्सी लगाकर आपके लेक्चर से मुझे बचाया है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि तुम सबके लिए मैं एक बार खोलूंगा और आइटम घुमाने के लिए एक पास। इसीलिए आज के बाद हमारे शहर में नो ड्राई डे, सिर्फ होगा पीजे डे। मैंने कॉलेज के बारे में भी सोचा है कि एक टीचर जब इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता तो एक स्टूडेंट इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि ये कॉलेज खरीद कर मैं इस कॉलेज का नक्शा बदलने वाला हूँ। ये प्रोफेसर जिनका एक पैर कब्र में है उन्हें निकाल कर 36-24-36 फिगर वाली टीचर्स लाऊंगा, कॉलेज का फ्यूचर सुधर जाएगा। और भी बहुत सारी आइडियाज हैं पर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज पीजे का बर्थडे है, शाम को पार्टी रखी है, जो पीते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं पीते उन्हें पीनी पड़ेगी। प्लान मैं सिंघानिया साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। मगर उनके पोते ने तो गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। इट्स ओके, जब पीजे छोटा था तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई, इसलिए उसके दादाजी ने उसको राजकुमार की तरह पाला। ठीक से पढ़ता लिखता नहीं था, शैतान था, इसलिए दादाजी ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजा। पर उसकी सजा तो हमें मिल रही है सर। वो अपने दादाजी और ऐशो आराम से दूर हो गया है और उसे लगता है कि इसकी वजह हम हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। उसके दादाजी के गुजरने के बाद अब जो भी हो जाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पीजे को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करें। जिस दिन वो कॉलेज में आया उसी दिन उसने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ करेगा, इसीलिए उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन पीजे से डरने की, शैतान का नाम लो और शैतान हासिल, राइट? मेरी बुराई कर रहे हो, नॉनसेंस। अगर तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली। ये तो मेरी शराफत है कि बादशाह दरबार में आ चुका है और तुम इस तरह बैठकर उसकी तौहीन कर रहे हो। बादशाह कौन? मैं और कौन? पीजे, ये सब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, पढ़ाई की बात मत कीजिए, बाकी कुछ भी कहिए चलेगा, किताबों से मुझे एलर्जी होती है। फर्स्ट ईयर तो तुमने पास कर लिया है, अगर इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहे तो 2 साल में डिग्री मिल जाएगी। आपकी डिग्री से मेरा क्या होगा सर? कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स आपकी ये डिग्री लेकर मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आएंगे। देखा सर कितना घमंडी है, इसको समझाना। अच्छा? है भैंस के आगे बीन मचाना। अरे रे। पीजे, तुम्हें क्लास अटेंड करना ही होगा। सर अगर मैं क्लास अटेंड करूंगा तो डांस बार कौन जाएगा, आपकी बेटी? दिस इज टू मच। नाक में दम करके रखा है इसने। आज से ना आप मेरे प्रोफेसर हैं और ना मैं आपका स्टूडेंट। वैसे अगर कॉलेज के लिए कभी डोनेशन चाहिए बंगले पे आ जाना। बिल्कुल नहीं दूंगा। Your attention, please. PJ's on the way. डैड, मुझे पीजे की गलतफहमी दूर करनी ही होगी। जाओ बेटी। क्या है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? क्या कहा? तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? ओह, लगता है तुम भूल गई हो। माय डियर एक्स, मतलब माय ओल्ड लव बिंदु, सच कहूं तो अब तुम्हें वो मजा नहीं है, अब इसीलिए गुड बाय फॉरएवर बेबी। पर तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। राइट राइट राइट, मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी कसम से। फिर हमने डेटिंग की और तुम उसे प्यार समझ बैठी, लेकिन मैं नहीं। यस, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। देखो, मैं हूं ना एक पिज्जा जैसा हूं और तुम एक छोटे पकोड़े जैसी हो। I'm costly। अपने लेवल का एक लड़का ढूंढकर शादी कर ले। शादी का सारा खर्चा मैं करूंगा। बम्पर ऑफर सिर्फ तेरे लिए। स्पेशल। Shut up। मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। सच तो ये है कि
तूने कभी मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। मैंने? Yes, तुझसे शादी करके फ्यूचर क्यों खराब करूं? हमारा स्टेटस स्टेचर अलग है। चिल बेब्स। दिल क्या समझेगा, उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। ये क्या कर रहे हो बेटे? आपको पता है आप कैसा लगता है? कैसा लगता हूँ? जैसे 5-स्टार होटल के दरवाजे पर 2-स्टार होटल का दरबान खड़ा। वैसे मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, बाद में मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। वहीं रुक जाओ, फ्री का खाना पीना उस तरफ। मुबारक हो बीजे बेटा। अमृता वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बेबी यहाँ क्यों बैठी हो तुम? ये चेयर खाली थी इसलिए मैं। जहाँ खाली चेयर दिखेगी बैठ जाओगी। टॉयलेट में भी एक सीट खाली, वहां जाकर बैठाओ इसे। बीजे गो। लगता मूड सही नहीं, चलो बेटी। डियर फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज। मैं श्री श्री विजय प्रताप सिंह खानिया, रॉयल फैमिली का बड़ा सुपुत्र, पूरे होशो हवास में मैं ये वसीयत लिख रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है और जितनी भी मैंने कमाई है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं जिसके हवाले करने जा रहा हूँ, वो मेरा अपना पोता प्रवीण जगदीश सिंह खानिया। इन सब के अलावा 5,000 करोड़ की फैक्ट्री, प्रॉपर्टी और फार्म्स भी मैं अपनी इच्छा से अपने पोते प्रवीण जगदीश सिंघानिया उर्फ पीजे के नाम करने जा रहा हूँ। मगर मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरी सारी दौलत का मालिक बनने से पहले उसे मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये दादाजी ने लिखा है? जी बेटा। और अगर वो मेरी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी दौलत अनाथों गरीबों में बांट दी जाए, शर्तें पूरी करने तक पीजे को फूटी कौड़ी न दी जाए। क्या शर्तें हैं उनकी? पहली शर्त, पीजे को बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी और उसे ये डिग्री सिर्फ 3 साल में ही पूरी करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल। उसे पूना मिलिट्री हॉस्टल में 3 साल रहकर अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसे पूना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी 100% हाजिरी के साथ। पुणे गवर्नमेंट कॉलेज? जी सर। ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने पानी मांगा क्या? जब बुलाऊंगा तभी आना। निकाल। मेरी इन 3 शर्तों को मानने के बाद मेरी अगली शर्त कॉलेज में उसके 3 महीने बिताने के बाद लागू होगी। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं, ये और डिग्री, वो भी 3 साल में? इसका तो बुक से ब्रेकअप हो गया। ना ये बुक को समझता है ना बुक इसको समझती है। लोकपाल पास हो जाएगा पर ये कभी पास नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो तुम सब? रेजिग्नेशन दे और घर जा अपने। क्या कर रहे हो बेटा? किसी को भी फायर करने की तुम्हारे पास पावर नहीं है, ये अधिकार तुम खो चुके हो। तुम्हारे ठाट बाट की बात लग गई है। तू मुझे? अरे शुक्र मना पीजे, वरना गालियां देकर भी मैं समझा सकता था तुम्हें। समझे? चुप कर। अमृता चलो यहाँ से। पापा इसको मैं तो प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। हम दोनों अपना वक्त क्यों बर्बाद करें, इसे छोड़ो और चलो। अरे पर उससे एक बार बात तो कर लेने दीजिए। पापा की तरह रंग बदलते हैं लोग। अरे अंकल उसका हाथ प्यार से पकड़ो। टॉपिक मत चेंज कर एक्स राजकुमार। जिस तरह से 300 स्टूडेंट शाही परिवार से मिल रहे स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी करनी पड़ेगी। कितने की स्कॉलरशिप? पूरे 2,500 रुपए डेली। 2,500 मंथली? दादाजी ने वाट लगा दी है। तो मत जाओ। हाँ तो मैंने कब कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। ड्राइवर हम पूना जा रहे हैं, सारा सामान पैक करो इंक्लूडिंग एसी एंड फ्रिज, और टैंक फुल कर दो। हेलो हेलो हेलो। फोन क्यों काटा? सिर्फ वही नहीं, घर के सारे सर्वेंट कॉल कट करें। इसलिए नो सर्विस नो ऑर्डर नो ऐश, आज से सब पर कॉमन मैन की तरह जीना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। ये फोन 50,000 का है, अगर तोड़ा तो इसके सारे पैसे तुम्हारी स्कॉलरशिप से काटे जाएंगे। अब खुद ही सोच लो, कटोरा लेकर बैठोगे क्या? रोड पर भीख मांगने से बेहतर है जो मिल रहा है ले लो। कहाँ हैं आप? एक बार सामने तो आइए। मैं यहाँ हूँ बेटे। अच्छा यहाँ है, तभी आता हूँ।
प्यारे दादाजी, इतनी शर्तें थोपने के बावजूद तुम उसे इतना प्यार करते हो? अबे बूढ़े खूसर दादा, अगर जिंदा होते तो फिर से मार देता। ऐसा मत कहो बेटे, आप मुझे प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी नहीं देना। ऐसा नहीं है, अपनी डिग्री कंप्लीट करके इस वकील के मुंह पर लाकर वो सर्टिफिकेट मारूंगा। फ्रेम में रहकर मुझ पर हंसना बंद कीजिए। 3 साल तक ऐश कर लीजिए, उसके बाद घर में नहीं रखने वाला हूँ आपको। क्या यार पीछे दौलत क्या चली गई, फोटो से बात करने लग गया, लोग पागल समझेंगे तुझे। सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी। गुड मॉर्निंग सर, मुझे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अरे आप तो यहाँ के राजा है ना? नहीं सर, मैं प्रवीण हूँ। प्रवीण? हाँ। याद नहीं आ रहा है मुझे, तो ये भी याद नहीं कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ या कॉलेज से जा रहा हूँ। सर 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 सॉरी सर, आप महान और दयालु हैं। बच्चे से गलती हो गई, आप मार्कशीट और एलसी दे दीजिए सर, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसी बात है क्या? हा? मगर जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो वैसे भी ये शक्ल किसी को नहीं दिखानी चाहिए। कैसे बुरे दिन आ गए हैं सर। जानता हूँ आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज एलसी दे दीजिए। क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? हा? अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मैं तुम्हें अभी एलसी दे दूंगा। डियर स्टाफ, क्या आप में से किसी ने इसे पढ़ाया है? ना तो हम इसके प्रोफेसर हैं, ना ही हमारे। सुना तुमने, तुम यहाँ पढ़ते हो इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आ जाते हैं। हम ए बस रुक रे, अरे तुम अभी तक उतरे नहीं, चलो उतरो, तुम्हारा स्टॉप आके गया। चलो जल्दी उतरो। ए ओल्ड मैन, चलो चलो, अब उठने का क्या लेगा? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। ए मेरा एक और बैग था ना, ये ले तेरा सामान, दोबारा इस बस में दिखना नहीं। मैं 5,000 का बैग है। चलो 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 चलो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो जल्दी जल्दी। ए लुंगी, मिलिट्री हॉस्टल किस तरफ है? लगता है अभी अभी आंख का ऑपरेशन कराया है। चलो डो बाजू बाजू। ए छोटे, मिलिट्री हॉस्टल की तरफ पता? हाँ, पता है। अरे ए तो बता के जाना। काय को बताऊं? ए सफेदी सुनना, हॉस्टल किस तरफ है? मिलिट्री हॉस्टल का रास्ता कहाँ है? पहले ये बताओ, जजीरा जब ट्रैक्टर लेकर आता है तो रोड पर खड़े होना चाहिए कि नहीं? क्यों, वो यहाँ का दादा है क्या? बादल की बारिश हो गई। रोड चलने के लिए कि मीटिंग करने के लिए? समझ गया ना? समझ गया। पीलो, मिलिट्री हॉस्टल आएगा। ओ ये हमारा पैसा। ये ले ऐश कर, चल निकल। मिलिट्री हॉस्टल भूत बंगले से कम नहीं है। भूतनी का दिखता नहीं है क्या? अबे मुंह बंद कर, नहीं तो चिड़िया गुड़ लग दे देंगे। मैं भी किससे बात कर रहा हूं, अपना भी कोई स्टेटस है यार। अली, कौन मैं? और कोई दिख रहा है क्या इधर? हाँ आता हूँ आता हूँ। यहाँ का डीन गधा है क्या? इतनी दूर हॉस्टल बना के रखा है, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? अच्छा, उनसे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? वो मुझसे नहीं मिला ना अब तक। आहिस्ता बोलो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अगर रूल तोड़ा तो प्रिंसिपल हड्डी तोड़ देगा। अच्छा, हड्डी तोड़ेगा, इतनी हिम्मत है उसमें? अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? चुप करो। आप पौधों को पानी देना, तब तक मैं इनको उनके पास ले जाता हूँ। लेकिन पौधों को पानी ऊपर से देना, ताकि उनको लगे बारिश हो रही है। देखा, आते ही दाग लगा लिया, लेकिन दाग अच्छे होते हैं। तू सिर्फ उसका ऑफिस बता, उससे मिलकर जाना भी। शांत हो जाओ गुरु, शांत हो जाओ। प्यून सर, तुम इन्हें आराम से ऑफिस ले जाना, तब तक मैं पीछे से इनकी कटाई छटाई करता हूँ। क्या कहा? मतलब मैं पौधों की कटाई छटाई के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कितने बढ़ गए हैं ना। ये प्यून मुझे उसका चमचा लगता है। एक काम करो, तुम ही मुझे ऑफिस तक ले चलो। चलोगे? ठीक है, चलो चलते हैं। अबे प्रिंसिपल की कुर्सी है। प्रिंसिपल है? रिस्पेक्ट से बात करो, वरना इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। ओके, मेरा नाम है बीजे उर्फ प्रवीण जगदीश सिंघानिया। ध्यान से पढ़ो। ये क्या है, एडमिशन हो भी क्या? लिस्ट है, रूल्स फॉलो करने अगर तुम्हें इस हॉस्टल में रहना है तो। पढ़ने का मूड नहीं है। अच्छा, मैं मूड बनाता हूँ।
रूल नंबर वन, रोज सुबह 4 बजे उठना है। रूल नंबर टू, उठकर रोज एक्सरसाइज या योगा करना जरूरी है। रूल नंबर तीन, चाहे मूड करे या ना करे लेकिन डेली नहाना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं, 2 घंटे दिल लगाकर पढ़ाई। आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ, गांव में कितनी डेवलपमेंट हो गई है, गुड ग्रोथ है। उसके बाद 1 गिलास दूध। उसके साथ ब्रेड मिलेगा? नहीं, यहाँ ब्रेड नहीं मिलता। अरे 1 गिलास दूध भी भैंस से खुद निकालना पड़ता है, फिर गांव की सफाई, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो ब्रेकफास्ट मिलेगा ना। चे, उसके बाद सीधा लंच। सीधा लंच करना है तो ब्रेकफास्ट के टाइम उठाते क्यों? क्योंकि यही यहाँ का रूल है। हेलो, ये गांव है और तुम मिलिट्री हॉस्टल में हो, और ये हॉस्टल 60 साल से ऐसे ही चल रहा है, और कॉलेज, खेलकूद, एंटरटेनमेंट अगले रूल्स हैं, फिर शाम को 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। Are you kidding me? नहीं, सुबह को पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, उसके बाद फिर से शाम को पढ़ाई। इतनी पढ़ाई करके साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, कितनी भी पढ़ाई करूँ 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे ना। रात को 7 बजे डिनर, उसके बाद डायरेक्ट। मैं ऐसे रूल्स फॉलो करूंगा? नो वे। घंटी जा रही है। हेलो शरद चंद्र, डराने की कोशिश कर रहे हो? आपके राज यहाँ के रूल्स को मानने से मना कर रहे हैं। मैं इनको अभी यहाँ से कुरियर कर रहा हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओ, सब मिले हुए हो? मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो करूंगा तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा? ये बीमारी की बात कर रहा है, मैं इसे शाम वाली बस से वापस भेज रहा हूँ। ओके, कम से कम ब्रेकफास्ट खिलाना पड़ेगा, और शाम को मुझे जरूरत होती है वॉक पर जाने की, डिनर के बाद डाइजेशन के लिए। और भी एक दो चीज यहाँ से ले जाऊं। थैंक्स। और बस स्टैंड दिखा देना। नो प्रॉब्लम। हाँ। समझ लीजिए आपके सारे रूल्स मेरे दिमाग में घुस गए। आप जैसे लोगों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, जरा भी हमदर्दी नहीं है। तू क्या सुन रहा है? लेकिन झुका और रूम पर चल। यहाँ के सरफिरे और लोफर लोगों की टोली में तेरा स्वागत है, टेंशन मत ले, तू भी इनके जैसा बन जाएगा। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कुछ सवाल फेसबुक से भी आ जाता तो मजा आ जाता है। ये हॉस्टल है या धोबी घाट? अभी पूरा देखा ही कहाँ है। क्या रे, कितना ब्रश करता है? दांत घिस जाएंगे, वरना ब्रश तो घिस ही जाएगा। जा रहे, देख के चलना। तू कौन है? क्या रे, कहाँ का है तू? बुल शिट। बुल शिट। एक बात बताए, कौन से जिले में पड़ता है? कितना क्यूट है ना। ये रहा तुम्हारा 1 BHK। यहाँ रहूंगा मैं? पसंद नहीं आया? रिटर्न टिकट कटवा दूं क्या? मुर्दा क्या है? कर्नल साहब, जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे फिर से दिख गया। अबे जल्दी निकल, जल्दी निकल, क्या कर रहा है? जल्दी निकल। लगता है हॉस्टल के फाउंडर है। बाथरूम के बाहर इतनी लंबी लाइन, अंदर कोई सेलिब्रिटी है क्या? रात को क्या खाया था? ब्रेड। मैंने छोले खाए। इतने पानी से हो जाएगा? इतने में तो 1 हफ्ते का हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग। अरे ये तो मेरा रुमाल है। नंगा साला मेरी 8वीं शर्ट लेके गया। ये हम पर जचेगा, मेरे सपनों की रानी। लगता है तुझे कहीं देखा है। मुझे नहीं, जैकेट देखा होगा। परफ्यूम अच्छा है। मेरा जैकेट से मतलब? उसका नाम नंगा बिल्ला, इन सब हरकतों की वजह से ही रखा है। सारी चीजें उठा लेगा सिवाय बुक्स के, बाद में अपने आप लाकर रख भी देगा। वैसे मैं हूँ आनंद। मैंने पूछा क्या, वैसे एक रूम में कितने लोग सोते हैं? तुमको मिलाकर पूरे 8 लोग। ये रूम कम लोकल ट्रेन का डिब्बा लगता है। ये सब क्या है? ये सब, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान है। और ये सब कार्टून कौन है? ये जनाब है हेमंत शर्मा। अब ये बताओ, बंदर ने टोपी पहनी है या चश्मा? और ये है अर्जुन खामकर। आर्नोल्ड की तरह बॉडी बनाने का ख्वाब है, लेकिन पानी की एक बाल्टी नहीं होती इससे। उमेश केसकर, अपने केसुओं के साथ खेलता ही रहता है। और ये है उमाकांत, बनना चाहता है रजनीकांत, लेकिन कोई चांस नहीं लगता। तो ये सारे हैं हमारे रूममेट्स। ये रूममेट है? वैसे खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ यहाँ नीचे से। ये अमेरिका रिटर्न है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, आज भी अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से ही सोता जागता है। इससे तुम्हें रात में मिलवाता हूँ।
वैसे यहाँ आसपास कोई सुपरमार्केट है क्या? सुपर शॉप है यहीं पीछे। हेलो हेलो, कालर ट्यून सुन रहा था, क्यों उठाया? हेलो इधर, तू इधर आ, बताता हूँ तुझे, फोन का एक रुपया कटवा दिया था। शांति से कालर ट्यून भी नहीं सुनने देते। हाँ, कहा चाहिए? डिओड्रेंट, फेस वॉश, हेयर जेल। क्यों, लड़की देखने जाना है क्या? मजाक कर रहा हूँ बबुआ, अंदर आ जाओ, सब मिलेगा। बेटी जरा देखो बबुआ को कहा चाहिए। अरे तुम, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? बिंदु। हाँ वही, मैं ही बिंदु। तो फिर वो कौन थी? समझ गया, मैंने वहां धोखा दिया तो तुम यहाँ चली आई। फिर से फोन उठा लिया? अरे बुड़बक, कालर ट्यून तो सुनने दो। क्या चाहिए तुम्हें? फॉलो मी। हाँ बज रहा है। बिल कितना हुआ? बिल कितना हुआ? अभी एक मिनट तो हुआ है फोन करके और बिल पूछ रहे। एक मिनट हुआ, आधे घंटे से दुकान में हूँ, कितना देना है बोलो। हा? पहले तू सामने आ, फिर तुझे बताता हूँ कितना देना है। ओए बबुआ, सुपरमार्केट का मालिक है या कॉल सेंटर में काम कर रहा है? जल्दी इस सामान का बिल बना और हॉस्टल पे भेज दे। शैम्पू के हो गए 30 और परफ्यूम। यहाँ कार्ड चलता है? दौलत है इसके अंदर। चल स्वाइप कर, जरा जल्दी करना। एक बार और ट्राई कर। एक बार और ट्राई कर। मशीन में प्रॉब्लम है? कार्ड में प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करता हूं। शरद चंद्र जी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? बहुत पैसा है। एक मिनट रुको। अरे सॉरी सॉरी, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी नहीं चल रहा है। आप अपना खर्चा कंट्रोल कीजिए। पिटेगा, आके मिलता हूँ तुझसे। वैसे अंकल, इतनी सारी चीजें मैं यूज नहीं करता, एक दो ही चाहिए, ये सोप, ये डिओड्रेंट और बाकी सब आप वापस रख दीजिए। पापा, क्या हुआ बेटा? मुझे कोई भी मेहंदी लगा के नहीं दे रहा है, आप लगा के दीजिए ना। लाओ लगा देता हूँ। आज इसे मिलकर आ रही है। पहले तुम अपने हाथों में नेल पॉलिश भी नहीं लगवाती थी बेटी, और आज मुझसे हाथों में मेहंदी लगवाने को कह रही हो। साथ रहती हूँ। वापस लौटा। ये सिगरेट पीना बंद करो। नीचे, मुझे भी दो ना। तुम अगर पढ़ाई करती तो कॉपी नहीं करनी पड़ती। मिस्टर सुंदर, सबको चेक करो। ए, स्टैंड अप, व्हाट इज दिस? सर ये मेरा नहीं है सर। तो फिर किसका है? मुझे नहीं पता सर ये किसका है। सर मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की है सर। सर आप किसी से शर्म, तुम जैसों के वजह से ऐसे स्टूडेंट्स बदनाम होते हैं। चलो मेरे साथ। सर रोहन बेकसूर है सर। क्या कहा? सर ये पर्ची उसकी नहीं है। तो फिर किसकी है? नहीं बताना है तो तुम भी साथ चलो। प्लीज सर, आप मेरी मदद कीजिए, बताइए इनको। बताओ। अगर आपने नहीं बताया तो मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। प्लीज। कौन है बताओ? चुप क्यों खड़ी हो? अदरवाइज आई विल कट ऑफ योर आर्म्स। डीजे, तुम बैठ जाओ। यू गेट अप।
गुस्से में क्यों हो बीजे? गुस्से में क्यों? वो अनजान लड़का मुझसे जरूरी है तुम्हारे लिए, मेरी कोई औकात नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, पर तुमने सबके सामने मुझे दगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं चुपकी बजा के पैसे खिलाऊंगा और पास भी हो जाऊंगा। उसका करियर खराब हो जाता। हाँ, करेक्ट। उसका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के साथ चली जा। जाओ। कहाँ मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाना चाहता था, तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। हो ही नहीं, तुम जैसी हजार मिल जाएंगी मुझे। अपनी इस हरकत से मेरे दिल पर खंजर भोंका है तुमने। बस बहुत हुआ, अब ये दिल पत्थर पर ध्यान दो। एनसीसी या एनएसएस? अभी तो पूरी आंखें भी नहीं खुली और तू किस चीज की स्पेलिंग पूछ रहा है? ए, सब लोग उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं और तुम सो रहे हो कुंभकर्ण के रिश्तेदार। चलो उठो जल्दी और एक्सरसाइज करो। मेरी बात सुन। हाँ, क्या है? वहाँ पैसे गिरे हो तेरे? पैसे? सुबह हो गई, जॉगिंग पे चल, वरना खाने में सिर्फ गालियाँ मिलेगी। ये मुझे उठाने आया था, ये मेरे जूते उठाने। अबे मेरे शॉर्ट्स और टी-शर्ट क्यों पहन के आ गया? अच्छा हो मैंने अंडरवेयर पहन रखी था। अभी मैं सोचूं साला कुत्ते वाली खुजली क्यों हो रही है। ये ले और अंडरवेयर दे। हट, नहीं चाहिए। साले नहीं चाहिए था तो नंगा क्यों करवाया? हट। आधी रात को ही उठा दिया यार। आधी रात? सुबह के 5 बज रहे। अरे यार इस वक्त तो मैं सोता हूँ। क्यों, उल्लू के खानदान से है क्या? ना 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 ना। हर गवर्नमेंट कॉलेज का ये नियम होता है, एनसीसी या एनएसएस ज्वाइन करना ही पड़ता है। जो पढ़ने आते हैं उनके लिए ना, फिकर मत कर, मैं संभाल लूंगा। ऐसे संभालोगे? इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बहुत महान लोग पढ़ाई करके आगे गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस, यू नो। अच्छा, इसलिए मैंने भी एडमिशन के लिए पूरे 2 साल की तैयारी की थी। सारे इसको समझाना तू। और तू भी। अरे इंग्लिश के टीचर इधर ही आ रहे, अब थोड़ी बहुत इंग्लिश जाननी होगी। मुझे तो नहीं आती। अरे यू डोंट टेंशन, आई मैनेज। अरे फ्रेंड, आई इज गोइंग कैंटीन, यू वांटिंग समथिंग? व्हाट? व्हाट डिड यू से? से इट अगेन। टीचर, व्हाट आर यू? डोंट से व्हाट, से हाउ। ओके। अरे फ्रेंड, आई इज गोइंग कैंटीन, यू वांटिंग समथिंग? आई ऑलवेज विद हिम, नाउ से अगेन। दादाजी कहां पहुंचा दिया मुझे? आपका नाम तो दाद खाज खुजली होना चाहिए था। मेरे वकील का फोन है। बकिए, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पानी है तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। यू डोंट वरी वकील साहब, शेर मांस ही खाता है, चाहे जंगल में रहे या पिंजरे में। लेकिन आप अपने लिए नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर में चपरासी बनना पड़ जाए। जब भी मुंह खोलते हो मनहूस बातें कर। हेलो। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 2 साल में ही ग्रेजुएशन पूरी करे, वो भी मेहनत करके। क्या कहा तुमने? बिना मेहनत किए डिग्री मिलना बहुत मुश्किल है भाई। मिल सकती है पैसों से। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। मैं आपके कॉलेज के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूँ। इस कॉलेज की जो हालत है उससे स्टूडेंट्स का मन नहीं लग रहा। यहाँ तक कि मेरा भी नहीं लग रहा। लेकिन मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आपको जो कीमत। कितने? कितने कीमत? लगता है आपको कहीं देखा है। आपका कोई जुड़वा भाई है? ओहो, अब मैं समझ नहीं गया। समझे, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ। इस मैच फिक्सिंग में आप भी एक बुकी है, और आपको ये भी पता है कि मेरी दादाजी की वसीयत के मुताबिक मुझे कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। छुपे रुस्तम निकले आप, तो बताइए कैसे खिदमत करूं? कितना दे सकते हो? स्ट्रेट टू द पॉइंट। अरे आप सिर्फ हुक्म कीजिए। तुम मुझको एक ब्रांड न्यू BMW या मुंबई में एक सी फेसिंग पेंटहाउस। एक काम कीजिए ना, आप दोनों रख लीजिए। बिल्कुल मत शर्माइए सर, फील फ्री। अध्यापक महोदय, एक बीए करने वाले छात्र ने अपनी कक्षा की छात्रा को छेड़ा है, उसे वृक्ष पर नग्न अवस्था में लटकाए या सर मुंडवा कर पूरे महाविद्यालय में घुमाए। दोनों करो। एक काम करते हैं सर, उसके पैंट में मधुमक्खियाँ छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरों की बहन बेटियाँ तो क्या भूल कर अपनी बीवी तक को नहीं छेड़ेगा। सबकी अकल एक महीने में ठिकाने आ जाएगी। अरे जल्ला, तो ये सब क्राइम है। क्राइम है? ऐसा करते हैं, उस पर तेजाब डाल देते हैं, मेरी लेबोरेटरी में पड़ा हुआ है।
अरे सर, ये कॉलेज है या सेंट्रल जेल? ये कॉलेज है, और डियर प्रोफेसर, ये प्रवीण जगदीश सिंघानिया है, इसी को ऊपर से नीचे तक रिपेयर करना है। तो इन सारे प्लेयर्स को भी सेट कर दिया आपने? अरे इतनी फिक्सिंग तो क्रिकेट मैच में भी नहीं होती है। यहाँ करनी पड़ती है, तुम जैसे बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए सबको प्लानिंग करनी पड़ती है, हम सबको। सर मेरी शराब, तुम सिटी कॉलेज में फेल हुए, तुम्हारी प्रॉपर्टी, वसीयत और शर्त के मुताबिक बिना डिग्री हासिल किए तुम्हें अपनी दौलत से एक चवन्नी नहीं मिलने वाली, हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे सारे रास्ते क्लोज हो चुके हैं पीजे, हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें सेकंड ईयर में यहाँ एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तुमने यहाँ से नहीं सिटी कॉलेज से किया, और ये ऑफर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम तुम्हें यहाँ 3 साल तक बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें 3 महीने के अंदर ही फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर कहीं फेल हो गए तो कॉलेज के रूल्स के मुताबिक तुम सेकंड ईयर में लटक जाओगे और ये बम्पर ऑफर स्टॉक रहने तक, और वापस घर जा सकते हो अगर ऑफर पसंद नहीं आया। मैं जाऊंगा क्लास रूम में जाऊंगा। यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? चल पीछे जाती है और आगे। शमशेर, अरे भाई बैठो ना, बैठो ना शम्मू डार्लिंग। ये रही तुम्हारी क्लास। मेरी बुक भूल गया हूँ, लेकर आना। गो। एंड दीज कैरेक्टर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ प्ले रिटन बाय अ फेमस ऑथर कॉल्ड शेक्सपियर। क्या चाहिए तुम्हें? न्यू एडमिशन। अरे मोटी गिर गई मोटी। भैंस हो गई है मोटी। अब बैठ अपनी सीट पर। विद्याधर सर आने वाले हैं, सब लोग शांत हो जाओ। आज हिंदी की ये अवस्था हो गई है कि कोई हिंदी में वार्तालाप कर ले तो लोग समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसका अपमान हो जाता है। लोग हिंदी में अंग्रेजी का मिश्रण कर देते हैं। मेरी बेटी को देख के कल सीटी बजा, मुझे देख के बजा, फिर देखती हूँ तेरे कुकर में स्टेशन कितना है। अपने आप को बोलने से आते जाते लड़की को सीटी बजाता है। हे 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 आंटी, जस्ट चिल। तू कौन है बे? ए मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं कि बिना पूछे मुझे टच करे। तेरी हिम्मत क्यों मुझे टच करे? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरे हाथ पर दौड़ूंगी। कभी की औलाद कुत्ते का बच्चा, तेरे घर में बाबा लिए जा। लगा लगा शॉट लगा। उसे जब गुस्सा आता है तो किसी को भी धो देती है, वो भी घुमा घुमा के। समझ गया, वॉशिंग मशीन है। कौन है नालायक? मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, पूछना है तो इससे पूछिए। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नहीं। हाँ पता है मुझे, अभी जाने देता हूँ। जिस दिन क्रोध आ गया उस दिन तेरी वो दुर्दशा करूँगा कि अपनी ही धोती खींचने से तू डरेगा, तब तू गुरुजी का आदर करना सीखेगा। हे भगवान, उसे ये पाठ पढ़ाने का अवसर दे दे। ए, ओ, आप, I'm taking this book. अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलो, कहो किताब ले जा रहा हूँ। एक तो मारते हो, and you expect me to talk in हिंदी? हिंदी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर देख लूंगा आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, स्नातक पूरा हो जाए। धन्यवाद गॉड, तुमने वो अवसर दे दिया। गॉड इंग्लिश नहीं है? एक दो इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले इन्होंने, मुझे थप्पड़ मारे। रुक जाओ अध्यापक महोदय। जी गुरुजी। टेकिंग शब्द का अनुवाद हिंदी में क्या है? बताता हूँ गुरुजी, लेना, ले जाना, कर्जा लेना, उधार लेना। हो गया। तुम मेरी शिकायत लेकर अध्यापक महोदय के पास आए हो। जैसे मैंने इनके पिताजी को पढ़ाया था वैसे ही मैंने इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई है ना? हाँ गुरुजी। गाल आगे लाओ। बट व्हाई? Why are you? Please sir. Sir, ये जानबूझ के मार रहे हो। कल से कक्षा में तुम धोती पहन कर आओगे और यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? अध्यापक महोदय, चिड़ियों के नाम बोलिए। उल्लू, भालू। इनके साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया? कल से महाविद्यालय में आप भी धोती पहन कर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। Thank you.
सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो गई है सिर्फ दो को छोड़कर। ये रोल रूपा क्यों नहीं कर लेती? मुझे एक्टिंग एक्टिंग नहीं करनी। अब हम नौकर का रोल किसे दें? हाय मर जाऊंगा, क्या करके मानेगा? वाओ वाओ वाओ, नाइस, क्या बात है। बात तो देख ली, अब लात भी दिखाऊं? नो नीड फॉर दैट। कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल के लिए वी आर परफॉर्मिंग वन प्ले, उस नाटक से डोनेशन कलेक्शन करेंगे। हमें डोनेशन नहीं चाहिए पीजे, हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल करो। लीड रोल ये एक्टिंग करेगा तो मैं भी करूंगी। कैरेक्टर क्या है? इन अ बिग बंगलो योर रोल इज ऑफ नौकर। बड़ा बंगला है और मैं उसमें नौकर हूँ? क्यूट नौकर। इसको मेकअप करो। अरे इधर तो एक्चुअल नौकर लग रहा है, असली नौकर। इसे तो नौकर की जॉब भी मिल जाएगी। ये शक्ल से ही नौकर लगता है। महंगे कपड़े और चश्मे के बिना कितना आम लगता हूँ मैं। नौकर के गेटअप में कितना नेचुरल लुक आया है। तू तो अच्छी शक्ल लेके पैदा नहीं हो सकता था? अरे वाह, एकदम नौकर लग रहे हो। दो चार घर पकड़ लो, कमाई भी हो जाएगी। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है साला। 100-100 बाथरूम धुलवाया उससे, साला मैं नहीं कर पाया कभी। कर भी नहीं पाएगा, सांस फूल जाती है इसमें। अच्छा सुन, एक मस्त कड़क भूत की कहानी सुना चल। अरे यार मुझे नींद आ रही है, सुनाना। आधी रात को चांद निकला हुआ था। अबे रात को सूरज निकलेगा क्या? हर बार सेम स्टोरी। नहीं सुनो, एक गांव, उसके आसपास घना जंगल, सफेद साड़ी में एक औरत जंगल की तरफ जाती हुई। अचानक से कुत्ते भौंकने लगे, चमचम पायल की आवाज, जोर से चलती हवा, सारे पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़की, चारों तरफ अंधेरा, गांव के सारे दिए बुझ गए। गांव का नौजवान भुवन उसके पीछे पीछे आने लगा। औरत के बाल बहुत लंबे थे, वो उसके पीछे चलता जाता, औरत हंसती हुई आगे चली जाती। तभी वो औरत पीछे पलटी और भुवन से बोली, मैं हूं चंद्रमुखी। शरीर दर्द के मारे टूट रहा है और तू भूत चुड़ैल की कहानी सुना के डरा रहा है। भूत के बच्चे इधर आ। क्यों, मजा आया ना? सोले को मौसिया के चांदनी से सुनाएगा कहानी तेरी तो। रात में इसने एक लड़के को पीटा। पनिशमेंट। पीटी सर ने पीजे को ऑप्शन दिया। क्या? कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन करना जरूरी है। क्या ज्वाइन करोगे? ये कोई ऑप्शन नहीं है। दफा 302 के तहत पीजे जैसे लड़के के लिए ये बसी है और दफा 220 के तहत ये ऑर्डर है। ऑर्डर ही करना है तो बियर ऑर्डर कर। अब मुझे कैसे पता चलेगा एनएसएस अच्छा है या एनसीसी? मैं बताऊं, एनएसएस मतलब तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, खोए हुए बच्चों को ढूंढकर तुम्हें उनकी नाक भी साफ करनी पड़ेगी और बुड्ढों को रोड भी क्रॉस कराना पड़ेगा। नहीं चलेगा, मुझे बुड्ढों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट, एनसीसी में ना मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कॉफी, चाय, समोसे, पकौड़े, चाउमीन, नूडल और साथ ही लड़कियां भी होती है। बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है, यही तो मैं मिस कर रहा था। ओह फर्स्ट फ्लोर पे है, मैंने सोचा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूंगा, दोस्तों ने यही सलाह दी है। वेरी गुड। सब ये हमारा नया रिक्रूट है, ये असली है। चलो शुरू करते हैं। वंदे मातरम। आउट हुआ क्लीन बोल्ड। पहली बार मैं भी हुआ था। बिंदु कुछ खिला, तो बहुत भूख लगी है। ये क्या, खाने के टाइम प्रसाद क्यों दे रही हो? यही खाना है। क्या अन्याय, देश में सूखा पड़ गया है क्या? 60 चक्कर लगाकर सिर्फ इतना ही हलवा खिला रहे हैं। मेरे फेंके हुए खाने से 10 लोगों का पेट भर जाता था। ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इतना क्यों दौड़ाते हैं? तुम्हारे हलवे में काजू है क्या? एक काजू भी इस हलवे से ज्यादा ही होगा। मेरे को मिला। लकी बॉय। रेडी बॉय। यस सर। Run! Huh? Okay, run. बाद में जंप, एनएसएस ज्वाइन कर। बाबू राजा बाबू। तुम एनसीसी छोड़कर एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हो? या।
क्योंकि बंदूक के चलाने दौड़ने भागने से लोगों की मदद करने का जो काम है वो खाने का मतलब बहुत अच्छा काम है। एनसीसी में आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है मगर एनएसएस में दूसरों की मदद करने के लिए जीता है। मैंने एनएसएस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। मैं तुम्हें ग्रुप लीडर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। क्या नाम है उसका? बिंदु सर। बिंदु? हाँ। कोई तीसरा ऑप्शन है? नो ऑप्शन। मैं हूँ ना सर। एनएसएस मतलब? मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ जानते भी हो क्या? जानता। अगर जानते होते तो एनएसएस ज्वाइन कभी नहीं करते। अब ज्वाइन किया है तो जाकर गाँव वालों की सेवा करो। गाँव वालों की सेवा? देवा। मेरे गांव में आके मेरा ही ट्रैक्टर रुकता है, कलर मारो क्या? वैसे भी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, तू ही कलर मार दे। ट्रैफिक हवलदार का काम करके थक गए हो क्या बेटा? लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है? लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मैंने गोबर लगाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाल लाल करने हैं? अरे यार ये बदबू, हाथ धोने के लिए मिनरल वाटर दो यार। पीजे बाबू उठो, पीजे बाबू, सोना बहुत महंगा हो चुका है, सोने से सोना सस्ता थोड़ी ना हो जाएगा। ड्यूटी के समय पर सो रहे हो, 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। माइनस मार्क्स किस लिए? शट अप। ठीक है, मानता हूँ मैंने इसे मारा है, एक हफ्ते के लिए मुझे सस्पेंड कर दो। तुम्हें पता है कितनी जोर से मारा है? थप्पड़ की गूंज उसके पिताजी तक चली गई। क्यों, इसके पिताजी का कान बहुत बड़ा है? नहीं, उनका हाथ बहुत बड़ा है, तुम्हारे कान के नीचे अच्छी आवाज आएगी। कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा? यही है ना वो? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे क्या कर रहे हो? अन्याय है सर, मैंने बोला था। भैया जी इसने मारा था। तुमने मेरे बेटे को छुआ? छुआ नहीं, मारा। और क्यों भाई? उसे मारूंगा तो जबरदस्ती यहाँ लाओगे, पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे? यहाँ इस फटीचर झोपड़पट्टी अगर मुझे हाथ लगाया ना तो सब पे केस कर दूंगा। हाँ चलता हूँ। तुम सब लोग जाओ। ओके भैया जी, इसे जाने मत देना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ वो यहीं पर है, कहाँ जाएगा, बैठ जा। क्या बच्चों, तुम लोग पढ़ने जाते हो कि लड़ने जाते हो? आजकल कुत्ता बिल्ली भी कहने लगे हैं क्या इंसानों की तरह लड़ रहे हो? बच्चों को पहले खाना खाने दो फिर डांटना। ये लो। बेटा आज तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाए हैं। मेरे बेटे को मछली भात बहुत पसंद दो है। मामा। बेटा तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पीटा, बहुत ही अच्छा किया। ये 5 साल से उतनी दूर पढ़ाई करने गया और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तुम्हारे गुस्से की वजह से साल में दूसरी बार देख रही हूँ। क्या कर रही हो माँ, इसे ये सब क्यों कह रही हो? खाना धोना, भूख लग रही है। बेटा अच्छा हुआ तुमने चेहरे पर मारा, इसके पेट पे नहीं मारा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसे लीवर का प्रॉब्लम है। नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे नाराज नहीं है? आप मुझे मारना नहीं चाहते? मेरे बेटे की ही गलती होगी, तभी तो तुम गुस्सा हो गए बेटा। मुझे यकीन है कि इसे मार के तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। हम लोग तो अनपढ़ गवार हैं, हर बात पे लड़ने लग जाते हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो इसलिए बिना बात नाराज नहीं होते होगे। मैंने सही कहा ना? अभी तो शांत बैठे हो, बाद में इस पर गुस्सा मत करना। क्या पिताजी, गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, मेरा दोस्त है। बेटा खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। खाओ ना बेटा। अरे ये लो पानी, ये लो। बेटा जब हमारा बेटा 1 साल का था तो हमें उसे भरपेट खिलाने के लिए
लोगों से अनाज उधार लेना पड़ता है, इसलिए वो हॉस्टल में ही रहता है। वहाँ उसे भरपेट खाना मिलता है। बिना खाए पिए पढ़ाई ठीक से कहाँ होती है। बेटा, मेरे बेटे का पिछले 5 साल में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तुम भी अब उसके साथ मत लड़ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पीजे, तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये हॉस्टल के दोस्त के लिए खाना, और हाँ, ये लालटेन रास्ते में काम आएगा। अपना ध्यान रखना। सॉरी यार, दोस्ती में सब चलता है पीजे। एंजॉय। कौन है? सॉरी से हुआ, कुछ तो बता पीजे। मैंने अपनी आंखों से भूत देखा। भूत देखे बेहोश हो गए? भूत मुझे देखकर भागने लगा और मैं उसके पीछे भागा और गिर गया। सच कह रहा हूँ, मैंने न जाने कितने भूत भगा दिए हैं। डर छोड़ो, ये चाय के साथ गोली खा लो, भूत का डर भाग जाएगा। बाबा बंगाली का चूरन किसी और को खिलाना। भूत से भी डरावनी चीज है एग्जाम, जो 10 दिन में होने वाली है। पास हो जाओ या बोरी अब उस तरह समेट लो। मैं पास होकर दिखाऊंगा। पास होकर दिखाएगा? मैंने डिसाइड कर लिया, किसी भी हालत में ये एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। तू कर सकता है यार, तू कर सकता है। लेकिन कैसे यार, कैसे? कैसे क्या, पास होने के लिए बुक्स के पास जाना पड़ता है, और वैसे भी तुमने शहर में फर्स्ट ईयर तो पास किया ही है ना। मैंने पास होने के लिए पैसे दिए थे। कितने? एक पेपर के 10,000 रुपए। 3 महीने से सोच रहा था कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, अब कब पढ़ूंगा। देखा, तुम्हारी घिसी पेटी बातें सुनकर ये छत भी पक गया और गिरने लग गया। अगली बार ना खुले आसमान के नीचे बात करना, ताकि किसी को चोट लगने का। मैं यहाँ सारी रात पढ़ाई करने बैठूंगा, इसी बीच मौका देखकर आनंद मेरे हाथों पर छत का एक बहुत भारी टुकड़ा गिराएगा, मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, फिर मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा। तुम में से किसी एक को मेरा एग्जाम, आनंद लिखेगा, 100% पास हो जाऊंगा, 1 साल का टेंशन खत्म। अगर सच में तेरे हाथ पे गिर गया तो? तुझे मेरी टाइमिंग का कोई बेसिक आइडिया नहीं है। मैं अपने हाथ यहाँ रखूंगा और फिर छत का टुकड़ा गिरेगा, वो गिरते ही हाथ हटा लूंगा, कड़क टाइमिंग है मेरी। छत की टाइमिंग तुझसे ज्यादा अच्छी है, दर्द हो रहा है क्या? सुना है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरे राजा, क्या हुआ? ऊपर वाले की लापरवाही का नतीजा है। सर, क्या हुआ? मेरे हाथ से, आपके पोलियोग्रस्त कॉलेज की वजह से मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठा। ये सब कैसे हुआ? मैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था सर, आंख बंद करके धुआंधार पढ़ाई, मेरे चारों ओर मेरा सिलेबस घूम रहा था, लेकिन क्या फायदा। अब मुझे न्याय चाहिए, मैंने तय किया कि मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। अरे पता नहीं कि अनशन में खाना नहीं मिलता है। ये बात पहले नहीं बता सकता था नंगे। सत्याग्रह करेंगे। अनशन कैंसिल हो गया सर। अब एग्जाम कैसे दोगे? मेरी जगह मेरा पेपर कोई और लिखेगा। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नहीं माने तो सत्याग्रह पार्ट 2 लिखेगा कौन? कोई बेवकूफ भी लिखेगा तो भी पास हो जाऊंगा। नहीं मजाक कर रहा था। आनंद तू लिख देना, ये लिखेगा सर। ओके, मैं कमेटी से बात करूंगा। जस्टिस कमेटी? कब से देख रहा हूँ उंगली क्यों किए जा रहा है तू? मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उंगली शरद चंद्र कर रहा है। बात करा। क्यों भैया, शरद चंद्र कोई और शर्त है? बिल्कुल सही गेस किया बेटा, तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि तुम्हारे कॉलेज की हर रिपोर्ट चेक की जाएगी कि तुमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। पागल हो क्या? मतलब तुम हर किसी की नजर में रहोगे। ये तुम्हारी अपनी चाल है ना मुझे फंसाने के लिए। नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा ही होने वाला है, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जल्दी सुधर जा। सुना क्या? सुन रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम कॉलेज के किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाओगे, समझे? हाथ तो मैं धोने के लिए नहीं उठा सकता, किसी को क्या खाक मारूंगा। एक और शर्त बताना तो मैं भूल ही गया, 1 साल के लिए तुम्हें स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा।
लेकिन तुम्हारी जगह एग्जाम में कौन लिखेगा इसका फैसला हमने कर लिया है। ओके, कौन है? बेटा बिंदु। यस सर। बिंदु? ये पेपर लिखेगी। लेकिन सर। और कोई चारा नहीं, पढ़ाई करो। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है, बिंदु मेरा पेपर लिखेगी। मेरे फोन में दादाजी का फोटो है, जरा दिखाना। दादा, तूने मुझे नानी याद दिला दी। ये कैसी आवाज़? ओ, इंटरवल हो गया, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हे माँ, आज पीजे का असली एग्जाम है, प्लीज उसे पास करवा दे। वो बुक टच भी नहीं करता, उसकी सारी किताबें नई की नई पड़ी हैं। मुझे फेल करा दे पर उसको पास करा दे। पप्पू का पास करा दो ना माँ। वो इतना गरीब है कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। माता प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। हम गरीबी में पैदा हुए, हम तो जी लेंगे, पर वो तो अमीरी में पला बड़ा है, वो नहीं जी पाएगा। प्लीज बिंदु का माइंड चेंज करवा दे ताकि वो सारे सवालों का सही जवाब लिख दे। अच्छा हुआ उसका हाथ जख्मी हो गया, वरना वो लिखता तो एक मार्क भी नहीं मिलता। किसी तरह उसे पास करवा दे। क्या हुआ पीछे, क्या सोच रहे हो? जब जेब में पैसे थे बहुत लोग आसपास दोस्त बनकर घूमते थे, पर सच्चे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में बोल यार। ओके, याद रखूंगा। इट्स टाइम फॉर एग्जाम। क्या बोला? बेस्ट ऑफ लक यार। तू पास हो, पास हो, पास हो, पास हो जाएगा। अरे चल चल जल्दी आ, कर पास हो जाएगा। देखिए वाला क्वेश्चन फिर से देख ले। बहुत एग्जाम आते रहेंगे। तो बलि का बकरा तैयार हो गया? नहीं सर, ये तो एग्जाम देने जा रहा है। एक ही तो बात है, इस बार पूरे 35% लाऊंगा, एक पेन से एक जवाब लिखूंगा। आ जा रहे हो? एग्जाम हॉल इधर है, यहाँ से जाओ। जाओ, एग्जाम आते ही ये भीगी बिल्ली बन जाता है। क्या कर रहे हो? कोई चीट तो नहीं छुपाई है? चीट छुपाऊंगा इन हाथों से। बिंदु, ये एग्जाम ना मेरी जिंदगी की। फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैमलेट के बारे में क्या जानते हो? हेलमेट का तो पता नहीं, ऑमलेट अच्छा बनाते थे। जानते हो या नहीं? पता नहीं। आर के नारायणन? नारायण नाम का मेरा एक बचपन में दोस्त था, लंगोटिया यार था मेरा, पता नहीं। पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज होटल की बिरयानी। कुछ आता नहीं है तो एग्जाम देने क्यों आए हो? क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता। मुझे चाहिए लग्जरी, पब, पार्टीज, फन, रिजॉर्ट्स, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मुझे। हा? ये सब क्या लिख रही हो तुम? जो तुम कहोगे मैं वही लिखूंगी, यही मेरी ड्यूटी है। जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे को कह रहा हूँ, तू आगे देख। अब इसका जवाब बताना। ए, पेपर लिख। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कभी? अरे कभी की खत्म हो गई, जाओ जाओ घर जाके सो। ठीक है चलो सोते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये किस चीज का महाप्रसाद बट रहा है? लड्डू दिए तुम्हारा रिजल्ट आने की खुशी में। और तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो सिर्फ 3 महीने में कॉलेज से बाहर जाने का, इसलिए वो लोग मिठाई बांट रहे हैं। रिजल्ट आने का प्रेशर है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसका बोरिया बिस्तर बांध लो, जल्दी पहुंच जाएगा। सर फेल? कोई शक? अरे रिजल्ट का वेट मत करो, जल्दी जाओ और बस का वेट करो ताकि टाइम पे शहर पहुंच सको। देखो रिजल्ट आया क्या?
पी उनके साइकिल की घंटी। बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी? उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम जरूर पास हो गए हो। वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। इट्स बैड न्यूज़ कंफर्म। लेकिन पेपर तो बिंदु ने लिखा ना। लेकिन बोला तो इसने है ना। ए प्रवीण, कर्नल साहब तुझे बुला रहे हैं, चल। ओ गॉड, रेस्ट इन पीस। ओए, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये फेल नहीं तेल हो गया है। अरे चुप कर, वो सुन लेगा, कुछ भी बोलता है। क्या हुआ? मैं पास कैसे हो गया? अरे हो ही नहीं सकता। सच प्रवीण? पीजे 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 दादाजी। कांग्रेचुलेशंस पीजे। थैंक्स ब्रो। हाँ लेकिन इसका क्रेडिट जाता है बिंदु को, उसे भी थैंक्स बोलो। बिंदु? अबे वहाँ देख, प्रिंसिपल उसके पास है। तुम अपनी दुकान में यूजलेस चीजें रखती हो क्या? डस्टबिन में डाल देती हो ना? सर, प्रवीण की बात कर रहा हूँ। समझ गई सर। उसने देख लिया तो दांत तोड़ देगा। चल। पहले टीचर्स और माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए चॉकलेट जैसी चीजों का लालच देते हैं, बाद में जब वो कोई गलती करते हैं तब उन्हें सजा देते हैं। अगर आप उसे सिर्फ 3 महीने देंगे और कहेंगे कि सिर्फ इतने ही दिन में पास होके दिखाओ, तो वो ऐसा कैसे कर पाएगा सर? अगर पीजे वाकई ना समझ है तो अगले 2 सालों में वो अपने आप फेल हो जाएगा। हमें उसे सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए ना सर। यू आर राइट, मौका तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट। एक्चुअली मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। तो दादाजी के पैसे का गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ये मेरे पैसे का है डार्लिंग। लगता है तुम समझे नहीं, अपने दादाजी की कमाई से नहीं अपनी कमाई से कुछ दो तब लूंगी। कितना भाव खाती है ये। तुमने इसका हाथ पकड़ा, तुम उससे प्यार करते हो क्या? प्यार? बिंदु से भी तो गिफ्ट ले लो ना, तेरे बाप का राज है। मारो इसे, अपनी सारी शर्तें भूल जाओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो ये भी भूल जाओ। पूरी दुनिया सुधर सकती है, तुम नहीं। बिंदु बड़े प्यार से लाया था ये। बीच में मत बोल। सही कह रही है तू, बीच में मत बोल। शमशेर, शमशेर प्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। इसके पास प्यार करने का टाइम नहीं। मैं कॉलेज के बाद फ्री होंगी। ये कॉलेज के बाद फ्री? एग्जाम में पास होकर फिर ट्राई मारना। एग्जाम में पास हो जाना फिर आके इस पे ट्राई मारना। तुम्हारा बहुत अच्छा चांस है। तुम्हारा बहुत अच्छा चांस है। इसका अच्छा चांस है मेरा कुछ। अरे बिंदु, शमशेर भाई को देखा? पहले बता इधर वाइन शॉप कहाँ है? आगे चलो। हे अंगद, डायलॉग याद नहीं हो रहे क्या? चल रिहर्सल करते हैं। चल तू अपने डायलॉग सुना, मैं करेक्ट करता हूँ। यमराज के? अरे यमराज नहीं रे, तू तो दुर्योधन है। ऐसा बोलो साड़ी खींचो। साड़ी बाद में, पहले बांसुरी तो सीधा पकड़ो। मैं तो टेस्ट कर रहा था। ये रिहर्सल की ऐसी तैसी करने आ गया। मेरी जगह इसे चढ़ गई है। दुर्योधन, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चलो चलते हैं। तुम मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते? भाग के नहीं, आराम से जाऊंगा। क्या चल रहा है? ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। Who are you? I am fine. उसने Who are you पूछा था, How are you नहीं। I am दुर्योधन। और ये मोर जैसे कलर वाला कौन है? मैं कृष्णा बनाऊंगा। कितना ड्रामा किया तुमने? पिछले साल 4, इस साल 5, टोटल 200-300। अबे 4 और 5 मिला के 200-300 कैसे हो गए यार? मैथ्स कमजोर है, थोड़ा इधर उधर चलता है। अरे सुन कृष्णा, तुझे राधा चाहिए ना? हाँ। तो उसकी कास्टिंग मैं करूंगा। हाँ। एक उंगली सिलेक्ट कर। कृष्णा को राधा चाहिए, ये उंगली सिलेक्ट करता हूँ। इसकी ये मजाल ये बिंदु पर टच करे। बिंदु? कृष्णा अपना मुकुट उतार के नीचे रख दो। जैसा आपका हुक्म। थप्पड़ किस लिए? चलो अभी मुकुट दोबारा पहन लो। नहीं फिर मारोगे। कृष्णा हाँ? तुम मेन लीड नहीं, बैक स्टेज हो, समझे? पीजे भाई ये सुपरस्टार की तौहीन है। शक्ल देखिए, तुझे ड्रामा में घोड़े का रोल मिलना चाहिए, तो कृष्ण का रथ चलाएगा। मैं कभी कृष्णा नहीं बनूंगा, कभी नहीं। कृष्ण माखन खाते थे, तुझे तो गोबर ही नसीब होगा। इज्जत ही मेरी। तेरी इज्जत है कहाँ? ये ड्रामा है। तू ड्रामेबाज है। अरे याद आया, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। रुक जा, पहले मुझे आराम फरमाना है। पीजे भाई मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना, कोई चोर मवाली का तो मैं ऑस्कर जीत कर आऊंगा। कृष्णा ये उंगली दिख रही है। हाँ। एक सिलेक्ट कर दे। लगता है इस बार कोई बड़ा कांड किया है पीजे। क्या किया? सही उंगली पकड़ी तो मेरा पैकअप पक्का ना। बार बार उंगली करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? मेरे सीनियर से भी तो पूछो। दुर्योधन को चीरहरण नहीं करवाना।
शानी, क्या? एक उंगली सी लेकर क्यों सवाल करेगा तो? सवाल करूंगा तो मार खाऊंगा। सिलेक्ट नहीं करेगा तो भी मारूंगा। बच्चे की जान लेगा क्या? कर्नल साहब। वो कर्नल साहब जिससे तेरी फटती है। वो तो हकीकत में। हम क्या कर रहे हैं? रामा। कर्नल साहब, आपने और उस शरद चंद्र ने मिलकर मेरी जिंदगी नौटंकी बना दी। मैंने गलती से गलत उंगली पकड़ ली, मुझे दूसरी पकड़नी थी। और कोई शरद है शरद चंद्र? मैं रिजाइन देता हूँ। रिजाइन करने से पहले अपना प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, वो सब लेके जाना। बी के हंगामा करना बुरी बात है, स्टॉप इट। अरे आनंद, तू यहाँ कब आया भाई? मेरी एंट्री अभी भी हुई है, तू चल यहाँ के। बेंचेस किसने तोड़े? क्या पागलपन है। ये बेंचेस तो पहले से ही टूटी है, छोड़ना, चल यहाँ से। ओके दुर्योधन, गुड नाइट। चल। कवि कहता है, तेरे हृदय में जिस तरह मेरी छवि बैठी है, सर, उसी तरह सर, तेरे आजा तेरे केसों में मेरा भाग्य। मैंने एग्जाम पास कर लिया सर। इस महाविद्यालय का भाग भी संकट में है, जा बैठ जा। धन्यवाद। एक दिन आपकी भी घंटी बजाऊंगा, आपकी सारी हिंदी की एकड़ी निकल जाएगी। और वैसे भी हिंदी इंग्लिश से बहुत पिछड़ी हुई है गुरुजी। गवारों की भाषा। जिस दिन हिंदी भाषा अंग्रेजी से पिछड़ जाएगी, उस दिन ये विद्याधर दुनिया से पिछड़ जाएगा। इस भाषा को पूरी दुनिया ने इतना मान सम्मान दिया है, उस भाषा को तुम गवारों की भाषा कहते हो। ये परीक्षा में सिर्फ पास होने के लिए 35 अंक लाने वाला विषय नहीं है। हम इसके माध्यम से अपनी खुशी, दुख और हर भाव को दर्शाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम इसी भाषा के माध्यम से रोते हैं, क्योंकि यही भाषा हमारी माँ को भी समझ में आती है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है। अब लिखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत क्या? अभ्युक्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजान्यहम्। सहस्त्र बार लिखो। सह मतलब 1000 बार। अरे चुप रहे, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका चेहरा दिखा दे बस। ये भैया जी का आदमी है, पता है कैसे? क्योंकि आदमी तो कहीं होता है। क्या बकरा है? मैं भैया जी हूँ और ये मेरा आदमी है, और ये एक लड़की से प्यार करता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो ये उसे भुला देगा। तुम उसे भुला दो क्योंकि ये उसे प्यार करता है। तुम्हारा आदमी उससे प्यार करता है तो वही भूलेगा, मैं क्यों भूलूं? क्या मतलब? देखो, तुम तलाक देना चाहते हो तो तुम्हारी बीवी क्यों साइन करेगी? करेक्ट ना, इसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर इसका क्या होगा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़का? मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी करो, हम दावत खाएंगे। कब से कंफ्यूज करके रखा है, समझता नहीं है। ब्लडी ब्लैक शर्ट, ये मेरा शर्ट है। सांड, ये तेरा नहीं, कपड़े का शर्ट। सांड, अबे मैं इस एरिया का शेर हूँ, सांड क्यों बुला रहा है मेरे को? सांड बोलने की हिम्मत कैसे है? देख, मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। यार, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा? मैं मारपीट नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी मैं क्यों समझूं? मैं ये कद्दू कितने का है? 50 रुपए का। मुझे ले 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 तो जा। 50 रुपए? छोटू, जरा बैट देना। अब तू क्रिकेट मैच खेलेगा क्या? मुझे नहीं आता। मेरी बैटिंग। छोटू, बॉल भी देना। 2020 होगा या वनडे? सुपर ओवर। सुपर ओवर, सुपर ओवर। मेरा भाव ज्यादा ही बढ़ गया। क्या बात है! ए, किस कुत्ते ने मारा मुझे? कौन था वो? तुम किसी और के लफड़े में अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? हाँ, छोड़ दो ये सब। तुम्हें कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाने का मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, बस मेरी बात मानते जाओ। सर, बस हुकुम कीजिए। अभी नहीं। तो कब? रात को। कहाँ? साईं दरबार में। मंदिर में? मंदिर नहीं। ओके। 3 क्वार्टर पी चुके हैं आप, प्लान कब बताएंगे? प्लान तब बाहर निकलेगा जब और 3 क्वार्टर जाएंगे। 3 और? यस। एक अच्छा दिन प्लान करो और एक बोतल देसी के साथ सबको 500 रुपए के नोट बांट दो।
सारे वोट मिल जाएंगे। मगर ऑपोजिशन में बिंदु है। अरे बिंदु को छोड़ो, वो तो शराब की एक बोतल भी नहीं मार सकती। लेकिन कॉलेज में तो आधी लड़कियां हैं, वो शराब लेकर क्या करेंगी? या तो अपने बाप को दे देंगी या बॉयफ्रेंड को दे देंगी। प्लान फेल तो नहीं होगा ना? अरे अपनी डेमोक्रेसी भी चलती है इसी प्लान से। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें एमपी भी बना सकता हूँ। जरूरत नहीं, मेरी ड्रिंक कहाँ गई? मुझे इसका भी वोट चाहिए ना, प्लान की शुरुआत। हमारे वोट हुए तुम्हारे वोटन आइडिया सर जी। अम्मा 2 रुपए देना, अम्मा 2 रुपए देना, अच्छा 1 रुपए दे दे। अभी तक ये पहुँचे क्यों नहीं? 2 रुपया देना, चाय पीऊंगा। 2 रुपए में चाय पिएगा, 5 रुपए में क्या बटर चिकन खाएगा? चल भाग यहाँ से। वेलकम। हाय पीजे। हाय, वेलकम टू माय किंगडम। सिटी लाइफ बहुत मिस करते होगे ना? नहीं नहीं, नई जगह, नए दोस्त, फुल एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारी कार कहाँ है? कार कार गांव की सड़कों पर गड्ढे होते हैं ना, तो मैंने बाइक ले ली। ये मेरा दोस्त है, फैमिली के साथ थोड़ा घूमने। पेट्रोल टैंक फुल किया मैंने। एक्चुअली बात यह है कि मुझे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट बनना है। अगर मैं हार गया तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। ए, दे देना। तुम इधर आ। चप्पल निकाल के मारू तुझे तेरी। तो ये गांव के गरीब यू नो, मुझे कम से कम 5 लाख चाहिए। तुम दोगे? आज रात को ही पैसे बांटने। बंद करो ये सब। नो डिबेट, नो इलेक्शंस। गलत तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता हूँ और बिंदु को निर्विरोध स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन सर, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले पीजे? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमने मेरे सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया है पीजे। I hate you। अरे इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? तुम कहाँ जा रही हो? पीजे, तुम्हारा फ्यूचर चौपट है, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना फ्यूचर क्यों चौपट करूं? ए, जी प्रवीण का सामान छोड़ के बाकी सबका फेंक दो। ठीक है। सब निकलो यहाँ से। सर, मेरे घर में खाना खाने को एक दाना नहीं है, हमें मत निकालिए ना प्लीज। सर प्लीज सर, पापा को पता चल गया तो वो मर जाएंगे सर, माफ कर दीजिए सर। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, घर कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे सर। सारी गलती उस पीजे की है, हमारी कोई गलती नहीं है सर। हमारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? वो तो है ही उल्टी खोपड़ी का, मगर तुम्हें तो अकल है। सबको पता था कि वो कैसा है, उसके लिए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैंने तुम सब पे विश्वास किया और तुम लोगों ने मेरा सर चुका दिया। दूर हट जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। हम नहीं जाएंगे सर। इस महंगाई के जमाने में हम कहाँ जाएंगे? हमें पता है कि हमारी वजह से आप हर्ट हुए हैं, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सर, आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो जाने वालों में सबसे पहला नाम मेरा होगा, माफ कर दीजिए। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हीं की कसम खाकर कहता हूँ। क्या कर रहे हो? कसम क्यों खा रहे हो? याद रखो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर तुम लोगों को फिर से उसके साथ देख लिया तो तुम लोगों को मैं कॉलेज में देखना नहीं चाहूंगा। क्या कुछ खा लो और चुपचाप सो जाओ।
उठ रहे। ए चल उठ। कन्याएं और वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। क्यों विद्यार्थी नंबर वन, आज आपकी अभिनेता जैसे नेता कहाँ है? किसी शराब खाने में, कबाड़ खाने में, गुसल खाने में, पै खाने में या पुलिस थाने में? कप्तान ने संन्यास ले लिया है। मुझे तो यही लगता है कि आपके नेता किसी गटर में ही पड़े हैं। ऐसे जिद नहीं करते, बारिश में भीगने से तुम बीमार हो जाओ। गलती हो गई पापा। बेटा इस तरह की गलतियाँ नहीं करते। एक बार मुझसे भी गलती हो गई थी, पिताजी ने घर से निकाल दिया था। मुझसे शादी करना गलती थी क्या? कैसी बात कर रही बैठ रही। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना। ठीक है पापा। कभी तुम्हें भी अपने दादाजी और अपने पापा की तरह नेक और ईमानदार आदमी बनना। ठीक है। काफी बड़ा हादसा हुआ है, बहुत खून बह गया है। अब इन्हें दवा नहीं दुआ की जरूरत है। जा तो रहे हो पीजे, लेकिन जाते जाते कर्नल साहब का दिया हुआ बॉक्स ले जाओ। क्या है ये? पता नहीं। ठीक है, बाय। तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तुम्हारे पिताजी अपनी सारी सुख सुविधा धन दौलत छोड़कर इसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। जीवन क्या है, दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, दुख दर्द क्या है, तुम्हारे पिता ने यही आकर समझा। मुझे छोड़कर, दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़कर, महल छोड़कर तुम्हारे पिताजी ऐसी जगह पर रहे। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ की मुलाकात नहीं हुई। दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, इसलिए उस
गुस्से में आकर मैंने उन दोनों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। पर जब तक मुझे अपनी औरती का एहसास होता, उससे पहले ही भगवान ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए मैंने उसे सुधारने के लिए तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जहाँ तुम्हारे पिताजी पढ़ा करते थे। मैं चाहता था कि तुम भी वही जिंदगी जियो जो तुम्हारे पिताजी ने यहाँ जी थी। अपने रियासत और फैक्ट्री में काम कर रहे लगभग 40,000 लोगों को संभालने और एकजुट करने के लिए तुम्हें कम से कम 400 लोगों को लीड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसीलिए मैंने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने की मुश्किल शर्त तुम्हारे सामने रखी थी। मेरी इन शर्तों का मतलब सिर्फ यही था कि जो मैंने नहीं किया वो तुम करो और अपने जीवन को परिपूर्ण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। साथ पढ़ने के बावजूद भी मुझे उसे समझने में 1 साल लग गया। तुम्हें तो यहाँ आए सिर्फ 3 महीने। तुम्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त दोगे कि नहीं? रो क्यों रहे? शांत हो जाओ, रोते नहीं, शांत हो जाओ। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अंकल। कहाँ जाओगे? कहीं भी। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे और शर्त हारने का डर भी लग रहा है। पागल कहीं का, हार जीत की क्या टेंशन बेटा। अगर जीत का मतलब समझना चाहते हो तो एक बार हार के देखो। लड़ाई दिमाग से नहीं जिगर से जीती जाती है। चलो अब अंदर जाके सो जाओ, जाओ और सारी चीजों को भूल जाओ। बात है, आज तेरे दर्शन हो गए? हाँ, आज कोई काम नहीं है ना, मेरे को देखने आ गया। अच्छा सुन ना, कोई लड़की हो तो बताना, डांस करवा के इलेक्शन जीतना है। नाच तो ऐसे रहे हो जैसे पजामे में सांप घूम रहा है। बात क्यों नहीं समझता? वो देखो असली नेता जी आ रहे हैं, उनसे पूछो, ये डांस वांस अरेंज करने के मास्टर हैं। मास्टर क्या हुआ, आज डांस का भूत उतर गया क्या? कॉलेज को तुमने पढ़ाई का नहीं अय्याशी का अड्डा बना के रखा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ा आया था हीरो बनने। अरे घूर क्या रहा है, निकल। शमशेर दरवाजा खोल। शमशेर मैं दरवाजा खोला है, आजा। तेरे लिए खुशखबरी है। उसी ने धोया पक्का। मैंने तो शमशेर को मारा था, बाकियों को किसने मारा कुछ समझ में नहीं। हमें पता है कि उन दोनों को तुम्ही ने मारा है। लोग तुम पर शक करेंगे, इसलिए बाकियों को हमने धो डाला। तेरे लिए हम सब दोस्त मार खाने के लिए भी तैयार हैं पीजे। ए, क्या बकवास कर रहे हो? पीने रहा हूँ शराब, बहुत खराब है इसलिए इसे खत्म कर रहा हूँ। ये शराब नहीं है, सच बोलने की दवाई है और आज मैं सच बोलने जा रहा हूँ। सुनो, ये पकड़ रहे पीना मत। क्या हम एक काम ईमानदारी और सच्चाई से नहीं कर सकते पीजे? शराब और पैसे बांटकर वोट खरीदते हो तुम कहाँ से अच्छे इंसान हो? शराब पीता हूँ मगर सच बात कहूँगा कि जीत जाओगे तो लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। मगर बताओ, कोई भी बाप अपने बेटे को कभी तुम्हें उसका आदर्श बनाएगा? अगर हमें दोस्त मानते हो तो हमारा एक काम कर दो, जिस जगह से हम शर्म से अपना सर झुका के गुजर रहे हैं वहाँ से एक बार फिर से सर उठा के चल सके, ऐसा कुछ काम करके दिखा पीजे। ये सही कह रहा है, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं। लीडर वही है जिसे सब प्यार करे। लोगों के दिल से अपनी गलत इमेज को निकाल फेंको और सबको अपने साथ ले चलो पीजे। ये क्या है?
PJSF. मतलब? मतलब PJ स्टूडेंट फोर्स. आज से तुम हमारे आगे आगे और हम तेरे पीछे पीछे. क्या बोलते हो? देखिए, आप सबको तो पता ही है कि पीजे को एक छोटी सी गलती की वजह से इलेक्शन से डिस्क्वालिफाई किया गया था. लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि गलती करने से जो डरता है वो कभी सही काम नहीं कर सकता, और यही तो हुआ है. ओए, इंटरनेशनल एग्जांपल मत दे प्लीज. तो आज से हम आपके सुख दुख के साथ ही, बस प्रॉब्लम शेयर करिए और हम यू सॉल्व करेंगे. जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो हमारी क्या करेगा? हमारी कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, मैं बस चुटकियां बजाते ही सॉल्व कर दूंगा. हमारी प्रॉब्लम है, कॉलेज छोड़ के चले जाओ, हमारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. चलो दोस्तों. अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले बात तो सुन लीजिए. एक मिनट प्लीज सुनिए, हमें बस एक चांस चाहिए. अगले हफ्ते हमारे एग्जाम शुरू होने वाले, सिलेबस पूरा नहीं हुआ. वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए साइंस टीचर और हिंदी टीचर दोनों आपस में लड़ रहे हैं. पहले बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, अब टीचर ने ही क्लास में आना बंद कर दिया है. यार तुम्हें ला सकते हो पीजे, क्योंकि साइंस टीचर से तुम्हारी बनती है. ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ही हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे. चलो यहाँ से. ये और वर्तमान अध्यापक महोदय दोनों ही मेरे शिष्य रहे. दो वर्षों में मैं निवृत्त हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ही उपाध्यापक बनना चाहिए. मेरे बिना कॉलेज में साइंस कौन पढ़ाएगा? मुझसे बढ़िया साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता. इसका मतलब है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का मैं राइट चॉइस. एक आइडिया बताऊं? हाँ बताओ. यहाँ पे कोई सलूशन नहीं निकल रहा है. आपके साइंस और आपकी हिंदी के बीच स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है. अगर मैं वाइस प्रिंसिपल नहीं तो साइंस की पढ़ाई भी नहीं. फिर आप साइंस भी हिंदी में पढ़ा. शांत हो जाओ. अंग्रेजी अध्यापक अंग्रेजी में पढ़ाता है और मैं हिंदी हिंदी में पढ़ाता हूँ. तुम विज्ञान अंग्रेजी में क्यों पढ़ते हो? इससे कहो विज्ञान विज्ञान की भाषा में पढ़ाए. क्यों ना हम वाइस प्रिंसिपल कौन होगा इसका फैसला हमारे स्टूडेंट्स पर छोड़ दें, वो भी वोटिंग के जरिए. क्या बात है, क्या बात है. व्हाट एन आइडिया. मतलब मेडिकल जो इंबैलेंस है उसी का तो बैलेंस. यहाँ सारी जिंदगी का इक्वेशन बिगड़ गया है. आपको ओके सर? मुझे तो मंजूर. आपको मंजूर है गुरुजी? हाँ. ओके दोस्तों, तो फैसला वोटिंग से होगा, लेकिन आप जिसे भी वोट दें उसे वोट देने की वजह आपको पेपर पर लिखनी होगी. तो कौन कौन तैयार है? ओके. क्या रे राजा, बचपन से मेरे कंधे पे तूने सुसु किया, लेकिन तभी मुझे कुछ फील नहीं होता था क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा था. लेकिन अभी छे चप्पल मार रहा है मुझे. मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया तूने बेटा. मस्त ना है? What is this? Which donkey has given you this role? वो donkey you are sir. अरे नौकर का रोल पहली बार कर रहा हूँ. My dear, you don't just throw away your lines. डायलॉग मुंह से नहीं निकलना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए. मैंने इतने सालों से आपकी और आपके परिवार की सेवा की है और आज आप मुझे गाली दे रहे हैं. आपके पास पैसा है तो आप मुझे मार रहे हैं. तड़प, तुम्हारी तड़प आंखों में दिखनी चाहिए. हे राजा, तू बचपन से मेरे इस कंधे पर खेलकर बड़ा हुआ है. बचपन में तेरी सारी शैतानियां, तेरी सारी शरारतें मैंने अपने दिल से लगा ली क्योंकि तुझे मैं अपना बच्चा मानता था. चप्पल से मारेगा? बहुत बड़ा आदमी बन गया. अरे बच्चा एक्टिंग कर रही है, मारना मत अपनी. ब्रेवो, वेरी नाइस पीजे, वेरी नाइस. तुमने डायलॉग चेंज कर दिया पर कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस लाजवाब था. तुम तो प्रोफेशनल हो. दैट्स व्हाट वी वांट. बहुत बढ़िया प्रवीण, लगता है बहुत प्रैक्टिस की है. प्रैक्टिस कैसी? मैं अपने नौकरों से ऐसा ही बर्ताव करता था, मुझे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं थी. आज मेरी आंखें खुल गईं. साइंस प्रोफेसर इलेक्शन जीत गए. कॉन्ग्रेट्स सर, मुझे यकीन था आप ही जीतेंगे. लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाइस प्रिंसिपल की चेयर आपका इंतजार कर रही है. लेकिन मैं शर्म से पानी पानी हो गया. क्यों सर? मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए स्टूडेंट मुझे पसंद करते हैं. लेकिन बात कुछ और ही है. देखो उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा. सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, लेकिन जब आप सिगरेट पी के क्लास में पढ़ाने आते हैं और जब हमें समझाते हैं तो सिगरेट की बदबू की वजह से हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है.
सर पता नहीं आप साइंस टीचर कैसे बन गए जबकि आप सारा दिन शराब पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं। सर हमें आपका लेक्चर समझ में आता है मगर जब आप पढ़ाते पढ़ाते हमारे शरीर को इधर उधर टच करते हैं तो वो हमें समझ नहीं आता है, फिर भी हम चाहते हैं कि साइंस आप ही पढ़ाएं। उन्होंने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी, ना कि वो मुझे पसंद करते थे। मेरी गंदी आदतों के बावजूद मुझे वोट दिया। मैं उस चेयर के लायक नहीं हूँ। एक सीनियर और अच्छा इंसान होने के नाते विद्याधर को ही वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए। विद्याधर जी बहुत सीरियस है। दर्शन कर लो। ये सब कैसे हुआ सर? तुम्हारे सामने हारने का सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैंने उन्हें हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए या उनके साथ मजाक करते हुए देखा है। आज इनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जाओ मिल लो। गलती है, हम ही ने वोट के पीछे लिखा था कि हम आपके पोता पोती जैसे हैं। आप हमें इतना मारते क्यों हैं? आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हमें ये सब नहीं लिखना चाहिए था। ये वोटिंग का मुझे सेटिंग ज्यादा लगती है। वोट के बदले नोट तो सुना था, आज वोट के बदले जान भी ले ली है? सब मेरी गलती है सर। असली विनर तो आप है, आप ही कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है। उठिए सर, उठिए। आपने वादा किया था अगर हिंदी अंग्रेजी से पिछड़ेगी तो आप दुनिया छोड़ देंगे। हम हिंदी को पिछड़ने नहीं देंगे, ना ही आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ। इसके बाद मैं ऐसी मिस्टेक फिर कभी सर ऐसी मिस्टेक मैं मिस्टेक मत करो। जब तक आप उठ नहीं जाते मिस्टेक ही कहूंगा। नहीं बेटा, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू यहां सबका दिल जीत चुका है। विज्ञान अध्यापक जी, उपाध्यापक बनने की शुभकामनाएं। नहीं गुरुजी, साइंस तो हम इंटरनेट से भी सीख सकते हैं। संस्कार सिखाने के लिए सच्चा गुरु चाहिए। वादा कीजिए आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। घटना के बाद तो कॉलेज में पीजे की इज्जत बढ़ गई है और जैसे जैसे उसकी इज्जत बढ़ रही है हमारी लुटती जा रही है। अगर वो यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया तो मेरे और बिंदु का प्यार तो गया है ना। अरे भाई, हमारी बिरादरी के लोग कॉलेज में ज्यादा हैं तो वो हमें जिताएंगे ना। मतलब अगर वो तुम्हारे प्यार की रुकावट है तो जाओ। हाँ, पर वो कैसे? अरे भाई, तुम शमशेर नहीं डरपोक हो। तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तुम बैठे हुए बात बोलूं, यही जीतेगा। हाँ, शमशेर जीतेगा। चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बल्ब किस तरह से जलता है। हम स्विच यहाँ ऑन करते हैं और बल्ब यहाँ जलता है। There is a definite reaction for every action. गड्ढे में पहले मिट्टी डालो, फिर उस पर बालू और सीमेंट डालकर भर दो, ओके? पढ़ाई छोड़कर ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शमशेर को यहाँ हर कोई जानता है, पर जब तक मैं लोगों की मदद नहीं करता मुझे कोई नहीं जानेगा। अगर यहाँ के माँ बाप हमसे खुश हो गए तो स्टूडेंट्स भी हमें अपने आप वोट देंगे। और भाभी को भी तो खुश करना है। मजाक कर रहा था। अच्छा,
क्या है? वोट फॉर पीजीएसएफ। अच्छा ये है बेटा, आपका भाई, आपका चाचा शमशेर, मुझे ही वोट दीजिएगा। इस मोहल्ले के वोट तो भाई पक्के शमशेर। हम सास बहू की टीवी सीरियल देख रहे थे, बीच में ऐड की तरह क्यों टपक पड़े वोट के लिए? फिर ऐसा किया तो झाड़ू से मारूंगी। चल आप अंदर जाओ, मैं इन लोग को देख रही हूं। अच्छा वो भाई, सिर्फ पानी मारा, पार्टी नहीं मारी। से जाके लड़की के बैग में मोबाइल डाल दो और उस पे चोरी का इल्जाम लगा दो। फोन तो उसके बैग में डाल देंगे, पर फिर जरूरी फोन आ गया तो लगता है भाई प्रेशर में। चलो भगवान कृष्ण नहीं, तुम्हारा शमशेर, मुझे ही वोट दोगी ना? चोरी शमशेर। ए भाई, ये क्या हाल बना रखा है? ये धुलाई किसने की? अरे शमशेर, ड्रामा कर रहा है क्या? गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी 90 साल की गर्लफ्रेंड के लिए। कुछ ही दिनों में तुम कितना बदल गए। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। अभी नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये बहुत बदल गया है और देखना, मैं उसी को वोट देने वाला हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पापा भी उसी की साइड है। सिर्फ उसके पापा ही नहीं, पूरा गांव पीजे के बारे में बात कर रहा है। हम भी उसे ही वोट देंगे। मुझे वोट नहीं देना तो मत दो, पर पीजे को वोट मत दो। पीजे को वोट मत दो। उल्लू का पट्टा खुद की कब्र खुद ही खोद रहा है।
मैं इस साल एक अमीर आदमी का रोल प्ले करने जा रहा हूँ ड्रामा में, इसलिए मुझे महंगे कपड़े चाहिए जैसे पीजे पहनता है। अच्छा, ऐसे लाए हो क्या? अरे पीजे है ना, मेले में आई हूँ, बहुत सस्ता है बेटा, ले लो। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मजा तो आ रहा है। ऐसा टी शर्ट और चाहिए तो ले लो। नहीं नहीं, थैंक यू। तुमने ये टी शर्ट कहाँ से लिया था? लंदन से खरीदा था। लंदन का है, सात समंदर पार का। कितने का? ये कुछ 3,000 का। आपको ठग लिया साहब, यही टी शर्ट हम आपको 100 रुपए में देंगे साहब। 100 रुपए में टी शर्ट दिखाना। ये देखो, बिल्कुल वही डिजाइन और वही कपड़ा है साहब, और कलर की भी गारंटी है साहब, अपने वाले से मिला लीजिए साहब। सच, आपको ठग लिया? हाँ, मुझे भी ये वाला चाहिए। ले लो, ले लो, ले लो साहब, हमारे पास बहुत है। मुझे भी ऐसा वाला दिला दो ना। ठीक है, सबके लिए एक ले लो ना, 100 रुपए के तो है। ये कितने का है? 50 रुपए का है बेटा, 45 दे देना, बोनी का वक्त है ना। इसे बेचकर आप कितना कमाते हैं? 10 रुपए कमा देते हैं। वाइनर उस पायला रख लीजिए, रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, बस एक काफी। शुक्रिया बेटा। क्यों रहे पीजे? शहर में दोस्तों की अय्याशियों पर 50,000 भी खर्च कर देता तो वो खुश नहीं होते, पर यहाँ खुशियों के लिए पैसे ही नहीं चाहिए। वो औरत इतनी बूढ़ी होकर मेहनत कर रही है, आखिर इतने कम पैसों में लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? खुशियाँ 500 या 50,000 की मोहताज नहीं होती, खुशियाँ यहाँ होती हैं दिल में। पता है, जिस दिन मेरे पापा कोई मछली नहीं पकड़ कर लाते थे, उस दिन घर में जो भी मिलता था माँ मुझे खिलाती थी और खुद भूखे पेट सो जाती, फिर भी वो खुश रहती। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे इस बात की खुशी है कि उसका बेटा भूखे पेट नहीं बल्कि भरपेट सोया हुआ है। यही होती है असली खुशी। असली खुशी दूसरों की खुशी से मिलती है, लेकिन इंसान तो बस अपनी खुशी के पीछे दौड़ता है। अबे नंगे, क्या हुआ? कौन फोन किया जा रहा बार बार, फिर से बात करना उसको। हेलो बाबा, पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा, आप वापस आ जाओ बाबा। वापस आ जाओ। अरे बेटा, कब तक ऐसे रोते रहोगे? तुम्हारे रोने से ये वापस थोड़ी ना आएंगे। क्रियाकर्म की तैयारी शुरू करो। अबे आप बंद करो ड्रामा, कोई कंधा देगा तब होगा ना अंतिम संस्कार। समझाया था अपनी जाति वालों के साथ ही रहना, पर तुमने उस बाहर वाले मिलावट को छोड़ दिया। मैं देखता हूँ तेरी मदद कौन करता है। अब रो अकेला अपने बाप की मजे पे। क्या बोल रहे हो तुम? छी। ए, संभालो खुद को। अरे इसे ले जाओ यहाँ से। ए, तुम लोग उसे फिर से अनाथ मत बनाओ। ऐसे मत में तो पॉलिटिक्स मत करो। वहीं रुक जा, हमारे बीच मत पड़ना, ये हमारे गांव का मामला है। ए, दे जा, छोड़ दो मुझे। साला जब देखो तब ड्रामा करता रहता है। चुप कर, चलो चलते हैं। सुपर यार पीजे, अब इसके कास्ट के सारे वोट भी तुम्हें ही मिलेंगे। तुझ में और शमशेर में क्या फर्क बचा? तुझे यहाँ वोटों की पड़ी है, ये नहीं दिखता कि अपना दोस्त अपने बाप की चिता पर रो रहा है? ऐसे वोट इकट्ठा करके क्या फायदा? ये सोचो कि वो दुनिया में बिना सहारे के अकेला कैसे जिए? मुझे बदलने चले थे पर तुम खुद बदल गए। पीजे से तुमने ऐसा क्यों पूछा आनंद? मैं तो बस पीजे का टेस्ट ले रहा था, लेकिन एक बात का यकीन हो गया मुझे, ये ही हमारा लीडर बनेगा। अगर तू हमारे कपड़े रुमाल शेयर कर सकता है, तो क्या हम तेरे दुख और दर्द शेयर नहीं कर सकते? हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है प्रवीण बेटा। और मेरा क्या हुआ? फर्स्ट क्लास बेटा।
कल तक तुम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना, राइट? मैं सबमिट कर दूंगा अंकल। गुड, जाओ, बिंदु तुम्हारा वेट कर रही है। तुम यहाँ मेरे साथ डेट पर आए हो? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। ओके, तो डिबेट के लिए सभी यहाँ मौजूद हैं। अध्यापक महोदय, 11 बज गए, वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ फंस गए। माय डियर फ्रेंड, तुम बिना ऑपोजिशन के डिबेट स्टार्ट नहीं कर सकते। अरे सर, वो पियक्कड़ है, पी पा के पड़ा होगा किसी गटर में। बेवड़ा साला। तुमने पीछे को कहीं देखा? नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ। यारे, कहीं मिला क्या? हॉस्टल में भी नहीं है। सर, ये क्या ड्रामा है? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे अपना कीमती वोट देके प्रेसिडेंट बना दो। अरे वाह, जो चाहेंगे वो पूरा करूंगा, जो नहीं चाहेंगे वो भी पूरा हो जाएगा। जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो कॉलेज में फ्री चाय मिलेगी, बिजली के खंभे लगेंगे ताकि अंधेरे में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पहचान सके। पिछली बार मैंने किसी और का हाथ पकड़ लिया। और यही नहीं, मैं तो कॉलेज की फीस भी आधी कराने की सोच रहा हूँ। आधी फीस आपकी जेब में जाए, आप लोग कितने गरीब रहेंगे, और उन्हीं पैसों से आप लोग ऐश कर सकते हैं। मुख में माइक ठूस दो। लड़कियों के लिए जीन्स और टी शर्ट अलाउ किया जाएगा। कॉलेज में फिल्म देखने के लिए एक थिएटर भी खुलवाया जाएगा, और हर फैकल्टी में एक लवर पॉइंट भी बनाया जाएगा। और साथ ही अगर आप पढ़ पढ़ के थक गए तो वहाँ हर हफ्ते आपकी सेवा में आइटम डांस भी करवाया जाएगा। झूठ का पाठ पढ़ गया। अच्छा खासा भाषण लिख कर पढ़ने के लिए दिया था ये शमशेर का बच्चा, तो यहाँ लैला मजनू की स्टोरी सुना। एक वोट के बदले इतना कुछ। अब तुम रुक जाओ शमशेर, अब पीजे की बारी है। हाँ, पीजे की बारी है। अरे सर, देखिए कितनी बदबू आ रही है, ये पी क्या है? ये पियक्कड़ क्या बोलेगा सर, माइक पे उल्टी कर देगा। हाँ, मैं शराब पीता हूँ, कभी मैं गिरोह पर धुआं उड़ा, लेकिन मेरे पास एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो मेरे दोस्त शमशेर के पास नहीं, और वो है मेरी सोच। जब कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है तो कॉलेज में लाइट किस लिए चाहिए, वो भी हरे भरे पेड़ों को काटकर। हमारे ऑडिटोरियम के पीछे हजारों टूटी हुई बेंचेस पड़ी हुई है, क्लास में बेंचेस कम है और स्टूडेंट्स ज्यादा है। स्टूडेंट्स खड़े रहकर क्लास अटेंड करते हैं, कम से कम अगले साल के डिबेट के लिए सारे स्टूडेंट्स बैठ सकें। इतनी बेंचेस तो रिपेयर करवा ही सकते। हमारी साइंस लैब देखिए आप, इक्विपमेंट पुराना हो गया है, स्टूडेंट्स कांच की जगह स्टील ग्लास में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और हमारी इमारत इतनी पुरानी हो गई है कि छत के हिस्से गिरते हैं और उससे जख्मी मैं खुद हुआ। शुक्र है एग्जाम में बिंदु ने मेरा पेपर लिखा। हाँ, अभी अभी क्या कहा था इसने, लवर्स पॉइंट और सिनेमा बनवाए। वेरी वेरी वेरी। हॉस्टल टॉयलेट के पाइप्स टूटे हुए हैं, लोग वहां सांस नहीं ले पाते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी में काम की किताबें नहीं, टॉयलेट में नल है मगर पानी नहीं, और पानी नहीं है इसीलिए लोगों को 3-3 किलोमीटर चल के पानी लेकर आना पड़ा। मैं ये समस्या सुलझा रहा हूं। हां, मैं मानता हूं मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन तब मेरी अकल एक बच्चे जैसी थी। आज मैं क्या हूँ वो देखिए, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे चुने या ना चुने, मैं आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। अब आप लोगों का डिसीजन। ये नहीं, आज मैं बोलूंगा। मैं पीजे को उस दिन से देख रहा हूं जब वो आया था। हमारा पीजे बहुत बदल गया है। अच्छा लीडर दुनिया को बदलने से पहले खुद बदलता है। मेरा वोट पीजे को। इसका हो गया तो मेरी सुनो, आधे से ज्यादा स्टूडेंट मेरी जाति के हैं। अबे चमचा कुछ बोलो। मुझे यहाँ वोटों की पड़ी है, ये नहीं दिखता कि अपना दोस्त अपने बाप की चिता पर हो रहा है। ऐसे वोट इकट्ठा करके क्या फायदा होगा? अपनी जाति का प्रेसिडेंट होगा जाति वालों तो बहुत फायदा होगा, बाहर वाला तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा ना। बोलो क्या जात पात की बात कर रहा है, उसकी तरह तो अपने दोस्तों के सुख और दुख में काम नहीं आता है। लाश के साथ पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग थे। यहाँ पर जो लोग भी एक बाप के औलाद हैं, वो मेरे साथ आएंगे, और जितने भी लोग यहाँ दोगले हैं, चुप कर, वो इसके साथ जाएं। तुम लोग भूख क्या देख रहे हो? आओ हमारे साथ। अरे रुक जाओ, अरे भगवान के नाम पर वोट दे दो, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो यार, तो बताइए कौन है आपका लीडर? विजय है हमारा लीडर। Yeah.
और जाकर बैठना। जा, निकल। यार अपना प्लान बताना भाई। क्या कहा भाई, मेरा बाप तेरे घर गया था क्या? सॉरी सॉरी बताओ। जैसे ही कैमरा खुलेगा। कैमरा बंद कब किया जो खुलेगा? मुंह बंद कर 50,000 दिए। जब मैं बोलूं बीच में कोई नहीं बोलेगा, समझे? अच्छा। तालाब का सीन सामने दिखता है और कच्चे रोड पर हीरोइन और विलन बाइक से जा रहे हैं और विलन पैडल मार रहा है। विलन बाइक से जा रहा है तो पैडल काहे को मार रहा है? अरे कमीनो, एक पतले वायर का इंतजाम करो। क्यों, लाइट जलाएंगे? फिल्म नहीं देखता क्या? हाँ? वायर से बांध के उनको ऊपर उड़ाना है। अच्छा। चुपचाप देख क्या होता है। हाँ। वो साइकिल पर हीरोइन को बैठा के लाएगा, रोड पर लगी वायर से उसकी साइकिल टकराएगी और वो टॉस की तरह उछल जाएगा। साइकिल पर बैठकर इतना मजा आ रहा है तो तुम्हारी गोद में कितना मजा आएगा। अच्छा, सच में तुम्हारे विलन के प्यार का साइकिल आज पंचर होने वाला है। हो गया पंचर? आई नो, साइकिल का टायर नहीं, तुम्हारा प्लान पंचर हो गया। प्लान के 50,000 लुटा दो सारा। इस बार 40,000 साइकिल पंचर हो गई। मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता, इसे खत्म कर दो रे। पीजे भाई। हाँ? ये भाई क्या बोल रहे हैं? ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई है। चल चल यार, खाने में चल के रखे। भाई हटो रे। भाई पैसा कब मिलेगा हमारा? मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए काम करे। जिसे पैसे चाहिए चले जाओ। यहाँ क्या कर रहा है छपरी? पिछली मार कम पड़ गई। चुन्नी कहाँ है? चुन्नी बेवफा निकली, उसने मुझे जनी के साथ देख लिया और जनी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने आपको देख लिया। सब बेवफा निकली। इन लड़कियों से तो अच्छी सिगरेट है, कम से कम उस पे वार्निंग तो लिखी होती है, मगर आप इधर वो भी साइकिल पर और वो भी डबल सीट। कॉलेज जा रहा हूँ यार। अच्छा, आज मेरा एग्जाम है। हाँ तो जाओ ना भाई, जिसने आपकी सुपारी दी थी उसका पान मसाला बना के खा लूंगा, पिचकारी भी नहीं मारूंगा भाई। साला सुपारी देता है, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खानदान पान खराब हो जाएगा। तू यहाँ खड़ा है, तू पोल है क्या? जा पीजे भाई को पर्ची फेंक। क्या भाई, वो जितना बोला उतना कर, मेरे मुंह मत लग। ए, ए, लिखने देना। पैसे हमने दिए ऐसे और हम इससे छुप रहे हैं जैसे हमने उधार लिया हो इससे। जब पैसे दे सकते हो तो दो चार थप्पड़ भी खा लो। नहीं, मुझे खिलाओ थप्पड़। कौन है रे उधर? कोई नहीं। अच्छा है, कोई नहीं है। तुम्हारा पेपर तो अच्छा गया ना पीजे? अच्छा था मैडम। आनंद की कोई खबर? आनंद यो, मेहमानों को बुलाया। हाँ, वो काम तो हो गया है। ये कौन है? अरे ये तो अपना आनंद है। आनंद में हो आनंद? क्या बात है, बड़े आदमी बन गए। मैं वैसा ही हूँ। मेरे पिताजी कांटे से मछली पकड़कर घर लाते थे, तभी हम खाना खाया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक ऐसे फिशिंग नेट का आविष्कार किया जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला और एक फिशिंग कंपनी में मोटी सैलरी के साथ जॉब भी मिल गया है मुझे। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाता। मुझे तुम पर गर्व है। पीजे को डिग्री मिलने वाली है, आओ देखते हैं। चलो। अगले साइंस ग्रेजुएट विद्यार्थी है गणेश। माननीय VC जी द्वारा डिग्री हासिल करेंगे। हर वर्ष यहाँ से कितने विद्यार्थी ग्रेजुएट होते जाते हैं, हमें उनके जाने का दुख तो होता ही है, मगर इस वर्ष ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा ग्रेजुएट होकर जा रहा है। अरे ये कैसे ग्रेजुएट हो गया, इसने तो चीटिंग की है ना। ये साला सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपको क्या लगता है ये आपके लिए प्रेसिडेंट बना था? बिल्कुल नहीं, ये पैसे कमाने के लिए प्रेसिडेंट बना है। फ्लैशबैक चलाता हूँ, सुनो। बेंच ठीक कराऊंगा, लैब बनवाऊंगा, छत ठीक करवाऊंगा, ये सब बोला था ना इसने। आपने इसकी बात पे यकीन करके इसको वोट दे दिया, प्रेसिडेंट बना दिया इसे। कौन सा वादा पूरा हुआ? कोई भी नहीं हुआ ना। चीटिंग की, ग्रेजुएट हो गया, अब ये भाग जाएगा। इसकी डिग्री तो छीन लेनी चाहिए, ये डिग्री लेने के लायक नहीं है, कॉलेज का सारा पैसा खा गया ये। वो आदमी जिसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, वो इस जगह पढ़ने आया, 8 लोगों के साथ एक छोटे से रूम में भी है। वो चीटर नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि कॉलेज का प्रेसिडेंट पैसा खाने के लिए बना, लेकिन तुम्हें सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। इस पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूं डॉक्टर। अच्छा, सॉरी टू से, हमें इसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तुरंत मुंबई भेजना होगा।
क्योंकि इसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसने गैस की बहुत गोलियां खाई, जबकि पेट दर्द की वजह इसका लीवर था। अब इसके ग्रुप का ब्लड चाहिए और साथ में 25 लाख ट्रीटमेंट के लिए। ओके? अरे बोल रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोला ना यार, पैसे खत्म हो गए। मेरी बात तो सुन। हेलो डैडी। मुझे पता है तुमने पैसे के लिए कॉल किया है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने कहा था ना कि उससे मत मिला करो। क्यों गई? चलो जल्दी से घर आ जाओ। कैसे जिंदगी में बढ़ रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? धमका रहे थे मुझे। 25 लाख रुपए चाहिए? तुम्हारी ये दौलत, सॉरी मतलब ये तुम्हारे दादाजी की दौलत है। मैं तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं दे सकता मेरे राजकुमार। जब तक तुम डिग्री हासिल नहीं कर लेते, इस दौलत से हम तुम्हें एक पाई तक नहीं दे सकते। तो कर्जा समझ के दीजिए। कर्जा दूं? कहां से चुकाओगे? तुम्हारे पास घमंड के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सारा कर्जा सूद समेत चुका दूंगा, क्योंकि आज मैं जान गया पैसों में किसी की जान बचाने जितनी ताकत होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मजदूरी करके भी आपका कर्जा चुकाऊंगा। पर उस लड़के को बचा लीजिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कल को वो हजारों की जिंदगियां बचा सकता है। पर अगर वो मर गया, मरता है तो मरने दो। उसके मरने से हमारे देश की जनसंख्या कौन सी कम हो जाएगी? बेमौत मारे जाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें डिग्री मिली तो तुम मुझ जैसे हजारों को बचा सकते हो। हेलो, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत गौर किया। तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे हो। वो तुम्हारे दादाजी की वसीयत में भी यही लिखा है कि अगर तुम किसी की मदद के लिए पैसे मांग रहे हो तो मिल जाएंगे, मगर पहले पेपर पर साइन करना पड़ेगा कि तुम वो पैसे बाद में लौटा दोगे। अगर नहीं लौटाए तो तुम्हारी किडनी निकाल ली जाएगी। बोलो, मंजूर है क्या? बोलो राजकुमार, दोस्त के लिए रिस्क लोगे या अपने लिए पैसे जमा करोगे? सच बात है सर, अगर तुम जान जाते कि ये तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहा है तो तुम मना कर देते, इसलिए इसने मुझे पैसे देने के लिए कहा। सॉरी पीजे। इट्स ओके। इतने ही पैसे बचे हैं सर, देखिए अगर ये कॉलेज के किसी काम आ जाए। बैठो बैठो, नहीं तो जूते खाने पड़ेंगे। तुम बगैर पैसे बगैर ऐशो आराम के कैसे जियोगे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो बिंदु? तुम? मैं यहां डर के आया था कि मुझे डिग्री मिलेगी या नहीं। ना मिली तो मेरे हाथों से मेरी जायदाद चली जाएगी। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ था ना, पर यहां आके पता चला जिंदगी क्या होती है। तुम सोच रही हो कि मैं बगैर पैसे के कैसे जी पाऊंगा। यहां से एक बहुत जरूरी चीज ली है उसी के सहारे, संस्कारों की। यहां आकर मैंने सिर्फ अपने गुरुओं से ही नहीं सीखा, इन्होंने तो सिखाया ही, पर वक्त और हालात इंसान की तकदीर कैसे बदल सकते हैं ये भी मैंने सीखा। सिर्फ 2 सालों में ही मुझे जीने का एक नया नजरिया मिल गया। सोचा ऐसे अजीब नमूनों को मैं कैसे झेल पाऊंगा, वो भी 2 साल तक। बाद में पता चला कि ये बेचारे तो दरअसल मुझे ही झेल रहे हैं। दोस्ती का एहसास मैंने इनसे सीखा है। सारा रुला दिया पतलू।
जिंदगी में खुशी सिर्फ पब, होटल, कार या रिजॉर्ट से नहीं मिलती। किसी भूखे को रोटी खिलाने से, किसी दुखी का गम बांटने से खुशी मिलती है। ये सीख दी है मुझे इस गांव ने, मेरे इस गांव ने। पराया बन के आया था और यही गांव के रह गया। मेरे दादाजी की बेशुमार दौलत ने मुझ में एक डर पैदा कर दिया था, जिंदगी में हारने का डर। मगर जिंदगी को जीता कैसे जाता है ये मुझे मेरे इन दोस्तों ने सिखाया। जिंदगी के किसी मकाम पर अगर मुझसे कोई गलत कदम उठ गया तो उसे सुधारने यहां आऊंगा। किसी कमरे का कोना मिल जाएगा ना, दिल में जो शरद चंद्र जी, इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? इतना बड़ा पेट लेकर उठते कैसे हैं आप? उठने के लिए घुटने की जरूरत होती है, पेट की नहीं। अच्छा। अरे आखिरी शर्त तो बताना, मैं भूल ही गया। फिर से शर्त? अब कैसी शर्त? दादाजी की यादों के अलावा अब है ही क्या मेरे पास? बहुत कुछ। तुम्हारे दादाजी ने ये शर्तें सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए रखी थी। लो, सुधर गया मैं। And the day you came for your friend's help, दादाजी क्रोधित हो जाएंगे। हिंदी में समझाइए। मैं तो समझ गया, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरे राजकुमार, तुम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे दादाजी ने आज तक जितनी प्रॉपर्टी बनाई है वो इस सब के सामने कुछ नहीं। अब अपने दादाजी की दौलत भी स्वीकार। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। तो जिम्मेदारियां स्वीकार कर लो। अगर जिम्मेदारियां भी मैं ही उठाऊंगा तो आप क्या करेंगे? शरद चंद्र जी, राजकुमार जी, आप मेरे सारे हुक्म मानेंगे या नहीं? मानूंगा। तो एक झप्पी दे दे यार। फैंसी ड्रेस की सारी तैयारी हो गई। पीछे शमशेर, उसके गुंडे बिंदु को कहीं उठा ले गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सच में उठा ले गए। किसको? अरे वो बिंदु। अरे यार, वो अपने बबली को तूने देखा क्या? कब से यहाँ वहाँ घाघरा चोली पहने घूम रहा था। हाँ, बबली उठ गया। मेरे साथ क्या करने वाले हो? अभी पकड़ा कहाँ है? पहला ऑप्शन रेप। रेप 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 रेप, फिक्स कर दो प्लीज प्लीज। अब आगे क्या बोलूँ? बोलो मत, खोलो। अबे ये तो खुली हुई है, और कितना खोलो? अब खोल दे। मेरी बात सुनो, रेप वो नहीं है जो तुम करोगे, हम करेंगे। समझ गई, प्रॉमिस, साली दो। हम इसका रेप करने वाले हैं और ये एंजॉय कर रही है। ये कैसे मुमकिन होगा? सारे यही कहते हैं पर करता कोई नहीं है। फट्टू कहाँ फंस गया? शमशेर के बारे में क्या ख्याल है? शमशेर, क्या तुम? शमशेर है। हेलो, कौन बोल रहा है? पीजे है क्या वहाँ पे? हाँ। बोल दे उसे, मैं बिंदु का रेप करने जा रहा हूँ। रेप? पीजे, बिंदु उसका रेप करने जा रही है। वो नहीं, मैं बिंदु का रेप करने जा रहा हूँ। लगता है उसका रेप हो जाएगा। फोन दो। ये शमशेर। अरे पीजे, हर स्टोरी में लास्ट में हीरो की ही जीत होती है, और इस स्टोरी का हीरो मैं हूँ। मैं वही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। अब कोई इफ या बट नहीं होने वाला, अब सिर्फ एक्शन शुरू होगा। क्या बोल रहा था वो? उसकी तो लगने वाली। आप क्यों रहे? डर गया क्या? अरे बिंदु को लाने के लिए बोला था, ये बबली को क्यों लाया? ये वो नहीं है, मेरा दोस्त लूट गया, बर्बाद हो गया। तो फिल्म देखने चलो। तुम चांस तो नहीं मारोगे ना? अगर मारूंगा तो? चलेगा। मैं जानता था। क्या जानते थे? दिल ही दिल में तुम चाहती हो मैं तुम पे चांस मारूं। तो हम नहीं सुधरोगे। तुम सुधरने देती कहाँ हो?